पहले से ज्यादा ताकतवर है। गाइस, होशियार रहना। क्रोश अटैक। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सतीश धनखड़ के फैन हो और कुंडल मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटनी वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में। पटकथा अजीत ममपली, रैलिन रॉबर्ट और सतीश से जीतीश से स्टैनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभाल के दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं, जबकि श्रीजी सारंग इस पालन का प्रभार लेते हैं जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुरक्षित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस की तरह तैयार किया गया जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जोड़ते हैं। रिलीज डेट कुंडल 30 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और पढ़े कुंडल कास्ट क्रू की। कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटिन वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में। पटकथा अजीत ममपली, रायलिन रॉबर्ट और सतीश धनखड़ का एक सहयोगात्मक प्रयास है। जितिन स्टैनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं, दूसरी कहानी कहने का वादा करते हैं और जबकि श्रीजी सारंग इस पालन का प्रभार लेते हैं जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुनिश्चित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस के तहत तैयार किया गया जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जुड़ता है। फिल्म कुंडल की कहानी साझा करने चाहेंगे या कलाकारों और क्रू के बारे में अपडेट प्रदान। स्वीकरण पोस्टर के बैकड्रॉप कुंडल फिल्म समीक्षा एंथनी वर्गीस पेपी की एक्शन फिल्म को लक्ष्यहीन लेखन ने बर्बाद कर दिया। कुंडल एक समीक्षा फिल्म एंथनी वर्गीस पेपी को एक्शन हीरो उपनाम से पेश करती और इस संबंध में कुंडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्ट हासिल करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन करते हैं। कुंडल फिल्म की समीक्षा एक व्यतीत अपने मुख्य आधारों पर अन्याय करने वालों को खत्म करने के लिए प्रतिशोधपूर्ण हिस्सा पर उतारू हो जाते हैं। यह उस सिनेमा में एक परिचित उदाहरण है, फिर भी यह लोकप्रिय बना हुआ है और अगर कम से कम शलीनता से क्रियान्वित किया जाए तो यह अभी भी जनता के बीच गूंज सकता है। खासकर प्रो कोर्स से जुड़ी इसके भावनात्मक गहराई के कारण हालांकि नवोदित निर्देशन अजीत ममपली की कुंडल रोनाल्ड रेंडलर काउट जिसमें एंटनी वर्गीस पीपी राजवी सेठी और सबीर कलारकल की मुख्य भूमिका में। इस आजमाएं में असच्ची आधार के बावजूद खराब और लक्ष्यहीन लेखन के कारण कमजोर पड़ जाती फिल्म एंटनी को एक्शन हीरो उपनाम से परिचित करा दी और इस संबंध में कोडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता का लाभ उठाते हुए काम करते। फिल्म की सेटिंग से यह और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर सामने आता है जिससे तनाव बढ़ जाता है।
तिरुवनंतपुरम के तटीय गांव की आसू थेंगो का रहने वाला इमैनुएल उर्फ मैनुएल एंटनी लापरवाही से रह रहा है और अपने ज़्यादातर समय शराब पीने में बिताते हैं। हालांकि वह अपने परिवार के करीब रहते और हर तरह से उनका समर्थन करते हैं, लेकिन उसका आत्म विनाशकारी व्यवहार कुछ और गहरा संकेत देता है कि इस बीच वह गांव जहां अधिकांश लोग की मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, एक संकट का सामना करता है। जब स्टीफन एंसन्स एक स्थानीय कंपनी सड़ी हुई मछली बेचने के लिए उजागर होती, जिसे गांव खराब प्रचार का लक्ष्य बन जाते। चूँकि मछुआरे अपनी पकड़ी मछली बेचने के लिए संघर्ष करें, इसलिए वे मांग करते कि कंपनी जिम्मेदारी ले और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि केवल उनकी मछली खराब हुई है, जिससे अन्य मछुआरों का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हालांकि कंपनी की मालिक एस्पेडिकम सनी और उसकी मांगों को नज़रअंदाज करते हैं और अधिक मछलियाँ लाने का प्रयास करते हैं, जिससे दोनों पक्षों को बीच टकराव होते। मैनुअल की घटनास्थल पर प्रवेश करती संघर्ष एक हिंसक खून खराबे वाले विवाद में बदल जाता है। चूंकि यह घटना एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई, पुलिस की भागीदारी में बाद में मैनुअल को कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एर्नाकुलम में मुनबम हार्बर से निकलने वाली एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करते हैं, जहाँ उसका भाई डेनियल और डेनियल राज भी सेठी कभी काम करता था। यात्रा के दौरान मैनुअल और जोर्ज सवीर कलारकल और माइकल राहुल राजगोपाल सहित अनेक सदस्यों के बीच उनके कुछ कार्यों के कारण तनाव बढ़ जाते। इन टकराव से उसे डैनी की मौत के बारे में चौंकने वाली खुलासे हुई, जिसे तब तक एक दुर्घटना माना जाता है जब फिल्म का बाकी हिस्सा मैनुअल की सच्चाई की खोज और प्रीति सोच की उसकी खोज का अनुसरण करते हैं, जबकि जुड़ और अन्य लोग उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुंडल में एक अच्छी बदला लेने वाली फिल्म बनने की सामग्री थी, लेकिन इसकी बड़ी खामी इसकी घटिया पटकथा में, जिस निर्देशन अजीत निराली दौर रॉबर्ट और सतीश थोनाकल के साथ मिलकर लिखा था, जिसमें कुछ बुनियादी कथानक बिंदुओं के अलावा और कुछ नहीं। यह देखते हुए कि कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक सीमित स्थान में सामने आते, जहां नायक और प्रतिद्वंदी हमेशा करीब रहते हैं, कहानी को एक दूसरे को ख़त्म करने में उनकी असमर्थता को समझाने के लिए केवल दुर्भाग्य से आदि पेशकश करनी चाहिए थी। तनाव को उच्च बनाए रखने के लिए ठोस क्षणों की भी आवश्यकता होती, जो कुंडल में उन अनुपस्थित थी। शुरुआत में मैनुअल को अपने गांव में मछली उथल पुथल से बचने के लिए नाव पर नौकरी करते हुए दिखाया गया कि इस बीच कुछ क्रूज सदस्य उसकी पृष्ठभूमि से अवगत होने के बावजूद उसकी प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार करने लगते। हालांकि फिल्म यह स्पष्ट करने में विफल रहती कि ये पत्र अजीब व्यवहार क्यों करते हैं, यह अर्थनिहित मोक्षा क्या है। अज्ञातर तक कुंडल लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहता है, एक स्पष्ट दिशा स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है, जिसे पत्रों को बिना किसी सर्दब के सिर्फ संदिग्ध नज़रों का आदान प्रदान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इंटरवल से ठीक पहले ही दर्शक को डैनी और क्रू के व्यवहार के पीछे की वास्तविक कारणों से परिचित कराया जाता है। साजिश पैदा करने के लिए मुख्य विवरणों को कुशलतापूर्वक छुपाने के बजाय कुंडल दर्शकों को काफ़ी समय तक पूरी तरह से अंधेरे में रखते हैं, यहाँ तक कि यह समझने के लिए बुनियादी जानकारी भी प्रदान करने में विफल रहते हैं क्या हो रहा है। ऐसे कि पत्रों के उद्देश्यों को खुलासा होने के बाद भी कुंडल प्रभावशाली और औपचारिक क्षणों देने में विफल रहते हैं, इसके बजाय यह मैनुअल या जोड़ द्वारा की रचित एक के बाद एक हत्या की प्रेमसों को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वास्तव में कोई भी नहीं मर रहा है सिवाय एक साथी कार्यकर्ता और उसी मनी का राजन को, जो एक अश्विन की गिरावट के बाद मर जाता है। साथ ही कई पत्रों को पहले एक्ट में काफ़ी बिल्ड अप के साथ पेश किया गया था, जो मैनुअल एक पर ख़तरनाक नज़र डालते, जैसे कि उनका अंत उनके हाथों होगा, फिर में बाद में फिर से प्रकट नहीं होते हैं, या यहाँ तक कि एक संक्षिप्त उल्लेख भी प्रपात नहीं करते, जिससे उनका
वास्तविक उद्देश्य जोड़ दिया जाता है। फिल्म में असफल हालांकि कुछ पत्र जैसे कि गौतमी नायर की दर्द दी निभाया गया चित्र शुरुआत में बार बार दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी ही पहचान बहुत बाद तक अस्पष्ट रहती। पर स्वरूप दर्शकों को मैनुअल की यात्रा के उद्देश्य को समझाने में कठिनाई होती, जिससे नाव पर तनाव की भावना कम हो जाती और दर्शकों को पत्रों के साथ जुड़ने नहीं मिलता। स्वाद सम्मान रूप से साधारण है जो दिखावटी और पुराने जमाने के लगते हैं। अभिनेता दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए कोई बारीकियां या गहराई लाने में विफल रहते हैं। अलोसी के परिवार का क्या होगा? क्या नाव पर उसके दोस्त उसकी बहन की शादी के लिए उसकी इच्छानुसार पर्याप्त धन की व्यवस्था कर पाएंगे? क्या मैनुअल अपने और डैनी के दोस्त पीटर अभिराम राधा कृष्णा से बदला लेगा, जो डैनी की हत्या के बारे में भी जानता है? कोडल को स्मार्टफोन पक्षों के उत्तर देना भूलना के साथ समाप्त होता है। फिल्म की विभिन्न कमियों के बावजूद इसे एंट्री की प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता से कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि अपने उच्चारण के अलावा अन्य उच्चारणों के साथ उनकी कठिनाई उनकी अभिनय सीमाएं स्पष्ट है। विशेष रूप से उपरिवर्ती समुद्र की पृष्ठभूमि में कैमरा ज़्यादातर उन पर केंद्रित है। उनका स्वयं इन खामियों को एक हद तक कम करने में मदद कर रहे, जिससे फिल्म को पूरी तरह से पूरा होने से रोका जा सकता है। निरसता राज भी सिटी हमेशा की तरह अपनी सीमित दृश्य में प्रभावित करती है। हालांकि ऐसे डमी कलाकार का उपयोग करने का विकल्प जिसकी आवाज़ राज बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैरान करने वाला है। यह ध्यान में रखते हुए कि कई मलयाली लोग राज को उनकी कन्नड़ फिल्मों और हाल ही में ममूटी स्टार टर्बो में खलनायक के रूप में उनकी भूमिका से पहचानते हैं। कुंडल की निर्माताओं को इस निर्णय पर अधिक ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अभिनेता की आवाज़ और डंपिंग के बीच असंगति दर्शकों का ध्यान भटकाती स्क्रीन पर हो रहा है। जबकि सबीर कलारकल का जोड़ का चित्रण चैतरीन के खराब लेखन के कारण निराश हो गया। माइकल के रूप में राहुल राजगोपाल का प्रदर्शन कार्टून जैसे प्रतीत होते हैं, जिसमें चैतरीन की एकमात्र भविभक्ति क्रोध की निरंतर दम तमा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सतीश धनखड़ के फैन हो और कुंडल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटनी वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में पटकटा अजीत ममपली रैलिन रॉबर्ट और सतीश से जीतीश से स्टैनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं। दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं, जबकि श्रीजी सारंग इस वादन का प्रभार लेते हैं, जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुरक्षित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस की तरह तैयार किया गया, जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जोड़ते हैं। रिलीज डेट कुंडल 30 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और पढ़े कुंडल कस्ट क्रू की, कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटिन वर्गिस पेपी मुख्य भूमिका में पटकरा अजीत ममपली रायलिन रॉबर्ट और सतीश धनखड़ का एक सहयोगात्मक प्रयास है। जितिन स्टैनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं, दूसरी कहानी कहने का वादा करते हैं और जबकि श्रीजी सारंग इस वादन का प्रभार लेते हैं, जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुनिश्चित होते हैं। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस के तहत तैयार किया गया, जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जुड़ता है। फिल्म कुंडल की कहानी साझा करने चाहेंगे या कलाकारों और क्रू के बारे में अपडेट प्रदान स्वीकरण पोस्टर के बैकड्रॉप
कुंडल फिल्म समीक्षा एंथनी वर्गिस पीपी की एक्शन फिल्म गुल्लक्षीन लेखन ने बर्बाद कर दिया। कुंडल एक समीक्षा फिल्म एंथनी वर्गिस पीपी को एक्शन हीरो उपनाम से पेश करती और इस संबंध में कुंडल कच्ची सटन दृश्यों में उत्कृष्ट हासिल करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन करते हैं। कुंडल फिल्म की समीक्षा एक व्यतीत अपने मुख्य आधारों पर अन्याय करने वालों को खत्म करने के लिए प्रतिशोधपूर्ण हिस्सा पर उतारू हो जाते हैं। यह उस सिनेमा में एक परिचित उधार है, फिर भी यह लोकप्रिय बना हुआ है और अगर कम से कम शलीनता से क्रियान्वित किया जाए तो यह अभी भी जनता के बीच गूंज सकता है। खासकर प्रो कोर्स से जुड़ी इसकी भावनात्मक गहराई के कारण हालांकि नवोदित निर्देशन अजीत मम्पली की कोंडल रोनाल्ड रेंडलर काउट जिसमें एंटनी वर्गिस पीपी राजवी सेठी और सबीर कलारकल की मुख्य भूमिका में इस आजमाएं में असच्ची आधार के बावजूद खराब और लक्षहीन लेखन के कारण कमजोर पड़ जाती। फिल्म एंटनी को एक्शन हीरो उपनाम से परिचित करा दी और इस संबंध में कोडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता का लाभ उठाते हुए काम करते। फिल्म की सेटिंग से यह और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर सामने आता है जिससे तनाव बढ़ जाता है। तिरुवनंतपुरम के तटीय गांव की आसू थेंगो का रहने वाला इमैनुएल उर्फ मैनुअल एंटनी लापरवाही से रह रहा है और अपने ज़्यादातर समय शराब पीने में बिताते हैं। हालांकि वह अपने परिवार के करीब रहते और हर तरह से उनका समर्थन करते हैं लेकिन उसका आत्म विनाशकारी व्यवहार कुछ और गहरा संकेत देता है कि इस बीच वह गांव जहां अधिकांश लोग की मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करते एक संकट का सामना करता है। जब स्टीफन एंसन्स एक स्थानीय कंपनी सड़ी हुई मछली बेचने के लिए उजागर होती है जिसे गांव खराब प्रचार का लक्ष्य बन जाते हैं। चूंकि मछुआरे अपनी पकड़ी मछली बेचने के लिए संघर्ष करें इसलिए वे मांग करते कि कंपनी जिम्मेदारी ले और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि केवल उनकी मछली खराब हुई है जिससे अन्य मछुआरों का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हालांकि कंपनी की मालिक एस्पेडिकम सनी और उसकी मांगों को नज़रअंदाज करते हैं और अधिक मछलियां लाने का प्रयास करते हैं जिससे दोनों पक्षों को बीच टकराव होते। मैनुअल के घटनास्थल पर प्रवेश करती संघर्ष एक हिंसक खून खराबे वाले विवाद में बदल जाता है। चूंकि यह घटना एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई पुलिस की भागीदारी में बाद में मैनुअल को कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एर्नाकुलम में मुनबम हार्बर से निकलने वाली एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करते हैं जहां उसका भाई डेनियल और डेनी राज भी सेठी कभी काम करता था। यात्रा के दौरान मैनुअल और जूर सबीर कलारकल और माइकल राहुल राजगोपाल सहित अनेक सदस्यों को बीच उनके कुछ कार्यों के कारण तनाव बढ़ जाते। इन टकराव से उसे डैनी की मौत के बारे में चौंकने वाली खुलासे हुई जिसे तब तक एक दुर्घटना माना जाता है जब फिल्म का बाकी हिस्सा मैनुअल की सच्चाई की खोज और प्रीति सोच की उसकी खोज का अनुसरण करते हैं जबकि जुड़ और अन्य लोग उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुंडल में एक अच्छी बदला लेने वाली फिल्म बनने की सामग्रियां थी लेकिन इसकी बड़ी खामी इसकी घटिया पटकथा में जिस निर्देशन अजीत निराली दौर रॉबर्ट और सतीश थोनाकल के साथ मिलकर लिखा था जिसमें कुछ बुनियादी कथानक बिंदुओं के अलावा और कुछ नहीं। यह देखते हुए कि कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक सीमित स्थान में सामने आते जहां नायक और प्रतिद्वंदी हमेशा करीब रहते हैं कहानी को एक दूसरे को ख़त्म करने में उनकी असमर्थता को समझाने के लिए केवल दुर्भाग्य से आदि पेशकस करनी चाहिए थी। तनाव को उच्च बनाए रखने के लिए ठोस क्षणों की भी आवश्यकता होती जो कुंडल में उन अनुपस्थित थी। शुरुआत में मैनुअल को अपने गांव में मछली उथल पुथल से बचने के लिए नाव पर नौकरी करते हुए दिखाया गया कि इस बीच क्रूज
कुछ क्रू सदस्य उसकी पृष्ठभूमि से अवगत होने के बावजूद उसके प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार करने लगते। हालांकि फिल्म यह स्पष्ट करने में विफल रहती कि ये पत्र अजीब व्यवहार क्यों करते हैं, यह अर्थनिहित मोक्ष क्या है। अज्ञातर तक कुंडल लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहता है, एक स्पष्ट दिशा स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है, जिसे पत्रों को बिना किसी सर्दब के सिर्फ संदिग्ध नजरों का आदान प्रदान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इंटरवल से ठीक पहले ही दर्शक को डैनी और क्रू के व्यवहार के पीछे की वास्तविक कारणों से परिचित कराया जाता है। साजिश पैदा करने के लिए मुख्य विवरणों को कुशलतापूर्वक छुपाने के बजाय कुंडल दर्शकों को काफ़ी समय तक पूरी तरह से अंधेरे में रखते हैं, यहाँ तक कि यह समझने के लिए बुनियादी जानकारी भी प्रदान करने में विफल रहते हैं। क्या हो रहा है ऐसे कि पत्रों के उद्देश्य को खुलासा होने के बाद भी कुंडल प्रभावशाली और ऑप्शन क्षणों देने में विफल रहते हैं। इसके बजाय यह मैनुअल या जोड़ दरा की रचित एक के बाद एक हत्या की प्रेमसों को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वास्तव में कोई भी नहीं मर रहा है सिवाय एक साथी कार्यकर्ता और उसी मनिका दाजन को, जो एक अश्विन की गिरावट के बाद मर जाता है। साथ ही कई पत्रों को पहले एक्ट में काफ़ी बिल्ड अप के साथ पेश किया गया था, जो मैनुअल एप पर खतरनाक नज़र डालते, जैसे कि उनका अंत उनके हाथों होगा, फिल्म में बाद में फिर से प्रकट नहीं होते हैं या यहाँ तक कि एक संक्षिप्त पर उल्लेख भी प्रपात नहीं करते, जिससे उनका वास्तविक उद्देश्य जोड़ दिया जाता है। फिल्म में अस्पष्ट हालांकि कुछ पत्र जैसे कि गौतमी नायर के दर्द दी निभाया के चित्र शुरुआत में बार बार दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी ही पहचान बहुत बाद तक अस्पष्ट रहती, परिणामस्वरूप दर्शकों को मैनुअल की यात्रा के उद्देश्य को समझाने में कठिनाई होती, जिससे नाव पर तनाव की भावना कम हो जाती और दर्शकों को पत्रों के साथ जुड़ने नहीं मिलता। स्वाद सम्मान रूप से साधारण है, जो दिखावटी और पुराने जमाने के लगते हैं। अभिनेता दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए कोई बारीकियां या गहराई लाने में विफल रहते हैं। अलोसी के परिवार का क्या होगा, क्या नाव पर उसके दोस्त उसकी बहन की शादी के लिए उसकी इच्छा अनुसार पर्याप्त धन की व्यवस्था कर पाएंगे, क्या मैनुअल अपने और डैनी के दोस्त पीटर अभिराम राधा कृष्णा से बदला लेगा, जो डैनी की हत्या के बारे में भी जानता है। कोडल को स्मार्टपूर्ण पक्षों के उत्तर देना भूलना के साथ समाप्त तो होता है। फिल्म की विभिन्न कमियों के बावजूद इसे एंट्री की प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता से कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि अपने उच्चारण के अलावा अन्य उच्चारणों के साथ उनकी कठिनाई उनकी अभिनय सीमाएं स्पष्ट है, विशेष रूप से उपरिवर्ती समुद्र की पृष्ठभूमि में कैमरा ज़्यादातर उन पर केंद्रित है। उनका स्वयं इन खामियों को एक हद तक कम करने में मदद कर रहे, जिससे फिल्म को पूरी तरह से पूरा होने से रोका जा सकता है। निरसता राज भी सिटी हमेशा की तरह अपनी सीमित दृश्य में प्रभावित करती है, हालांकि ऐसे डमी कलाकार का उपयोग करने का विकल्प जिसकी आवाज़ राज बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैरान करने वाला है। यह ध्यान में रखते हुए कि कई मलयाली लोग राज को उनकी कन्नड़ फिल्मों और हाल ही में ममूटी स्टार टर्बो में खलनायक के रूप में उनकी भूमिका से पहचानते हैं, कुंडल की निर्माताओं को इस निर्णय पर अधिक ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अभिनेता की आवाज़ और डबिंग के बीच असंगति दर्शकों का ध्यान भटकाती स्क्रीन पर हो रहा है, जबकि सबीर कलारकल का जोड़ का चित्रण चैतरीन के खराब लेखन के कारण निराश हो गया। माइकल के रूप में राहुल राजगोपाल का प्रदर्शन कार्टून जैसे प्रतीत होते हैं, जिसमें चैतरीन की एक मात्रा भावी भक्ति क्रोध की निरंतर दम तमा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप सतीश थोनकर की फ़ैन हो और कुंडल मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा।
कूंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत मम्पली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटनी वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत मम्पली, रैलिन रॉबर्ट और सतीश है, जितेश से एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभाल के दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं, जबकि श्रीजी सारंग इस वादन का प्रभार लेते हैं जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुरक्षित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि एस को सैमसी एस की तरह तैयार किया गया जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जोड़ते हैं। रिलीज डेट कुंडल 30 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और पढ़े कुंडल कर्स्ट क्रू की, कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत मम्पली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटिन वर्गिस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत मम्पली, रायलिन रॉबर्ट और सतीश धनकर का एक सहयोगात्मक प्रयास है। जितिन एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं, दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं और जबकि श्रीजी सारंग इस वादन का प्रभार लेते हैं जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुनिश्चित होते हैं। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस के तहत तैयार किया गया जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जुड़ते हैं। फिल्म कुंडल की कहानी साझा करने चाहेंगे या कलाकारों और क्रू के बारे में अपडेट प्रदान, स्वीकरण पोस्टर के बैकड्रॉप, कुंडल फिल्म समीक्षा एंथनी वर्गीस पेपी की एक्शन फिल्म को लक्ष्यहीन लेखन ने बर्बाद कर दिया। कुंडल एक समीक्षा फिल्म एंथनी वर्गीस पेपी को एक्शन हीरो उपनाम से पेश करती और इस संबंध में कुंडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्ट हासिल करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन करते हैं। कुंडल फिल्म की समीक्षा एक व्यतीत अपने मुख्य आधारों पर अन्याय करने वालों को खत्म करने के लिए प्रतिशोधपूर्ण हिस्सा पर उतारू हो जाते हैं। यह उस सिनेमा में एक परिचित उधार है, फिर भी यह लोकप्रिय बना हुआ है और अगर कम से कम शलीनता से क्रिया विनिवत किया जाए तो यह अभी भी जनता के बीच गूंज सकता है। खासकर प्रो कोर्स से जुड़ी इसके भावनात्मक गहराई के कारण हालांकि नवोदित निर्देशन अजीत मम्पली की कुंडल रोनाल्ड रेंडलकाउट जिसमें एंटनी वर्गीस पीपी राजवी सेठी और सबीर कलारकल की मुख्य भूमिका में, इस आजमाए में और सच्ची आधार के बावजूद खराब और लक्षहीन लेखन के कारण कमजोर पड़ जाती फिल्म एंटनी को एक्शन हीरो उपनाम से परिचित करा दी और इस संबंध में कोडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता का लाभ उठाते हुए काम कर दे। फिल्म की सेटिंग से यह और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर सामने आता है जिससे तनाव बढ़ जाता है। तिरुवनंतपुरम के तटीय गांव की आसू थेंगो का रहने वाला इमैनुएल उर्फ मैनुअल एंटनी लापरवाही से रह रहा है और अपने ज़्यादातर समय शराब पीने में बताते हैं। हालांकि वह अपने परिवार के करीब रहते और हर तरह से उनका समर्थन करते हैं लेकिन उसका आत्म विनाशकारी व्यवहार कुछ और गहरा संकेत देता है कि इस बीच वह गांव जहां अधिकांश लोग की मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं एक संकट का सामना करता है जब स्टीफन एंसन्स एक स्थानीय कंपनी सड़ी हुई मछली बेचने के लिए उजागर होती है जिसे गांव खराब प्रचार का लक्ष्य बन जाते हैं। चूंकि मछुआरे अपनी पकड़ी मछली बेचने के लिए संघर्ष करें इसलिए वे मांग करते कि कंपनी जिम्मेदारी ले और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि केवल उनकी मछली खराब हुई है जिससे अन्य मछुआरों का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हालांकि कंपनी की मालिक एस्पेडिकम सनी और उसकी मांगों को नज़रअंदाज करते हैं और अधिक मछलियाँ लाने का प्रयास करते हैं जिससे दोनों पक्षों को बीच टकराव होते। मैनुअल के घटनास्थल पर प्रवेश करती संघर्ष एक हिंसक खून खराबे वाले विवाद में बदल जाता है। चूंकि यह घटना एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई पुलिस की भागीदारी में बाद में
मैनुअल को कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एर्नाकुलम में मुनबम हार्बर से निकलने वाली एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करते हैं, जहां उसका भाई डेनियल उर्फ डेनी राज भी सेठी कभी काम करता था। यात्रा के दौरान मैनुअल और जूर्स कबीर कलारकल और माइकल राहुल राजगोपाल सहित अनेक सदस्यों के बीच उनके कुछ कार्यों के कारण तनाव बढ़ जाते। इन टकराव से उसे डैनी की मौत के बारे में चौंकने वाली खुलासी हुई, जिसे तब तक एक दुर्घटना माना जाता है जब फिल्म का बाकी हिस्सा मैनुअल की सच्चाई की खोज और प्रीति सोच की उसकी खोज का अनुसरण करते हैं, जबकि जुड़ और अन्य लोग उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुंडल में एक अच्छी बदला लेने वाली फिल्म बनने की सामग्री थी, लेकिन इसकी बड़ी खामी इसकी घटिया पटकथा में, जिस निर्देशन अजीत निराली डॉ रॉबर्ट और सतीश थुनाकल के साथ मिलकर लिखा था, जिसमें कुछ बुनियादी कथानक बिंदुओं के अलावा और कुछ नहीं। यह देखते हुए कि कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक सीमित स्थान में सामने आते, जहां नायक और प्रतिद्वंदी हमेशा करीब रहते हैं, कहानी को एक दूसरे को ख़त्म करने में उनकी असमर्थता को समझाने के लिए केवल दुर्भाग्य से आदि पेशकश करनी चाहिए थी। तनाव को उच्च बनाए रखने के लिए ठोस क्षणों की भी आवश्यकता होती, जो कुंडल में उन अनुपस्थित थी। शुरुआत में मैनुअल को अपने गांव में मछली उथल पुथल से बचने के लिए नाव पर नौकरी करते हुए दिखाया गया कि इस बीच कुछ क्रू सदस्य उसकी पृष्ठभूमि से अवगत होने के बावजूद उसकी प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार करने लगते। हालांकि फिल्म यह स्पष्ट करने में विफल रहती कि ये पत्र अजीब व्यवहार क्यों करते हैं, यह अर्थनिहित मोक्ष क्या है। अज्ञातर तक कुंडल लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहता है, एक स्पष्ट दिशा स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है, जिसे पत्रों को बिना किसी सर्दब के सिर्फ संदिग्ध नजरों का आदान प्रदान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इंटरवल से ठीक पहले ही दर्शक को डैनी और क्रू के व्यवहार के पीछे की वास्तविक कारणों से परिचित कराया जाता है। साजिश पैदा करने के लिए मुख्य विवरणों को कुशलतापूर्वक छुपाने के बजाय कुंडल दर्शकों को काफ़ी समय तक पूरी तरह से अंधेरे में रहते, यहाँ तक कि यह समझने के लिए बुनियादी जानकारी भी प्रदान करने में विफल रहता है क्या हो रहे हैं। ऐसे कि पत्रों के उद्देश्यों को खुलासा होने के बाद भी कुंडल प्रभावशाली और आकर्षणों देने में विफल रहता है, इसके बजाय यह मैनुअल या जोड़ दरा की रचित एक के बाद एक हत्या की प्रेमसों को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वास्तव में कोई भी नहीं मर रहा है सिवाय एक साथी कार्यकर्ता और उसी मनिका दासन को, जो एक अश्विन की गिरावट के बाद मर जाता है। साथ ही कई पत्रों को पहले एक्ट में काफ़ी बिल्ड अप के साथ पेश किया गया था, जो मैनुअल एक पर खतरनाक नज़र डालते, जैसे कि उनका अंत उनके हाथों होगा, फिर में बाद में फिर से प्रकट नहीं होते हैं, या यहाँ तक कि एक संक्षिप्त पर उल्लेख भी प्रपात नहीं करते, जिससे उनका वास्तविक उद्देश्य जोड़ दिया जाता है। फिर में अस्वच्छ हालांकि कुछ पत्र जैसे कि गौतमी नायर की दर्द दी निभाया गया चित्र शुरुआत में बार बार दिखाई देते, लेकिन उनकी ही पहचान बहुत बाद तक अस्पष्ट रहती, परिणामस्वरूप दर्शकों को मैनुअल की यात्रा के उद्देश्य को समझाने में कठिनाई होती, जिससे नाव पर तनाव की भावना कम हो जाती और दर्शकों को पत्रों के साथ जुड़ने नहीं मिलता। स्वाद सम्मान रूप से साधारण है, जो दिखावटी और पुराने जमाने के लगते हैं। अभिनेता दूसरे को उच्च उठाने के लिए कोई बारीकियां या गहराई लाने में विफल रहते हैं। अलोसी के परिवार का क्या होगा, क्या नाव पर उसके दोस्त उसकी बहन की शादी के लिए उसकी इच्छा अनुसार व्यापार धन की व्यवस्था कर पाएंगे, क्या मैनुअल अपने और डैनी के दोस्त पीटर अभिराम राधा कृष्णा से बदला लेगा, जो डैनी की हत्या के बारे में भी जानता है। कोडल को इस महत्वपूर्ण पक्षों के उत्तर देना भूलना के साथ समाप्त होता है। फिल्म की विभिन्न कमियों के बावजूद इसे एंट्री की प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और
एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता से कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि अपने उच्चारण के अलावा अन्य उच्चारणों के साथ उनकी कठिनाई उनकी अभिनय सीमाएं स्पष्ट है। विशेष रूप से उपरिवर्ती समुद्र की पृष्ठभूमि में कैमरा ज़्यादातर उन पर केंद्रित है। उनका स्वर इन खामियों को एक हद तक कम करने में मदद कर रहे हैं, जिससे फिल्म को पूरी तरह से पूरा होने से रोका जा सकता है। निरसता राज भी सिटी हमेशा की तरह अपनी सीमित दृश्य में प्रभावित करती है। हालांकि ऐसे डमी कलाकार का उपयोग करने का विकल्प जिसकी आवाज़ राज बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैरान करने वाला है। यह ध्यान में रखते हुए कि कई मलयाली लोग राज को उनकी कन्नड़ फिल्मों और हाल ही में ममूटी स्टार टर्बो में खलनायक के रूप में उनकी भूमिका से पहचानते हैं। कुंडल की निर्माताओं को इस निर्णय पर अधिक ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अभिनेता की आवाज़ और डबिंग के बीच असंगति दर्शकों का ध्यान भटकाती स्क्रीन पर हो रहा है। जबकि सबीर कलारकल का जोड़ का चित्रण चैतरीन के खराब लेखन के कारण निराश हो गया। माइकल के रूप में राहुल राजगोपाल का प्रदर्शन कार्टून जैसे प्रतीत होते हैं, जिसमें चैतरीन की एक मात्रा भविभक्ति क्रोध की निरंतर दम तमा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप सतीश थोनकल की फ़ैन हो और कुंडल मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की द्वारा निर्देशित है और इसमें एंटनी वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत ममपली, रैलिन रॉबर्ट और सतीश है। जीतीश से एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं। दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं, जबकि श्रीजी सारंग इस वादन का प्रभार लेते हैं, जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुरक्षित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस की तरह तैयार किया गया, जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जोड़ते हैं। रिलीज डेट कुंडल 30 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और पढ़े कुंडल कास्ट क्रू की, कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटिन वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत ममपली, रायलिन रॉबर्ट और सतीश थोनकल का एक सहयोगात्मक प्रयास है। जितिन एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं। दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं और जबकि श्रीजी सारंग इस पारंग का प्रभार लेते हैं, जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुनिश्चित होते हैं। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस के तहत तैयार किया गया, जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जुड़ते हैं। फिल्म कुंडल की कहानी साझा करने चाहेंगे या कलाकारों और क्रू के बारे में अपडेट प्रदान। स्वीकरण पोस्टर के बैकड्रॉप कुंडल फिल्म समीक्षा एंथनी वर्गीस पेपी की एक्शन फिल्म को लक्ष्यहीन लेखन ने बर्बाद कर दिया। कुंडल एक समीक्षा फिल्म एंथनी वर्गीस पेपी को एक्शन हीरो उपनाम से पेश करती और इस संबंध में कुंडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्ट हासिल करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन करते हैं। कुंडल फिल्म की समीक्षा एक व्यतीत अपने मुख्य आधारों पर अन्याय करने वालों को ख़त्म करने के लिए प्रतिशोधपूर्ण हिस्सा पर उतारू हो जाते हैं। यह उस सिनेमा में एक परिचित उधार है, फिर भी यह लोकप्रिय बना हुआ है और अगर कम से कम शलीनता से क्रिया विनिवत किया जाए तो यह अभी भी जनता के बीच गूंज सकता है। खासकर प्रो कोर्स से जुड़ी इसके भावनात्मक गहराई के कारण हालांकि नवोदित निर्देशन अजीत ममपली की कुंडल रेंडलकाउट, जिसमें एंटनी वर्गीस, पीपी राजवी सेठी और सबीर कलारकल की मुख्य भूमिका में, इस आजमाए में असच्ची आधार के बावजूद खराब और लक्षहीन लेखन के कारण कमजोर पड़ जाती। फिल्म एंटनी को एक्शन हीरो उपनाम से परिचित करा दी
और इस दमन में पोड़ल कच्चे सटन दुलसियों में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता का लब उठाते हुए काम करते। फिल्म की सेटिंग से यह और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर सामने आता है, जिससे तनाव बढ़ जाता है। तिरुवनंतपुरम के तटीय गांव की आसू थेंगो का रहने वाला इमैनुएल उर्फ मैनुअल एंटनी लापरवाही से रह रहा है और अपने ज़्यादातर समय शराब पीने में बिताते हैं। हालांकि वह अपने परिवार के करीब रहते और हर तरह से उनका समर्थन करते हैं, लेकिन उसका आत्म विनाशकारी व्यवहार कुछ और गहरा संकेत देता है कि इस बीच वह गांव जहां अधिकांश लोगों की मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, एक संकट का सामना करता है। जब स्टीफन एंसन्स एक स्थानीय कंपनी सड़ी हुई मछली बेचने के लिए उजागर होती, जिसे गांव खराब प्रचार का लक्ष्य बन जाते। चूंकि मछुआरे अपनी पकड़ी मछली बेचने के लिए संघर्ष करें, इसलिए वे मांग करते कि कंपनी जिम्मेदारी ले और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि केवल उनकी मछली खराब हुई है, जिससे अन्य मछुआरों का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हालांकि कंपनी की मालिक एस्पेडिकम सनी और उसकी मांगों को नज़रअंदाज करते हैं और अधिक मछलियां लाने का प्रयास करते हैं, जिससे दोनों पक्षों को बीच टकराव होते। मैनुअल के घटनास्थल पर प्रवेश करती संघर्ष एक हिंसक खून खराबे वाले विवाद में बदल जाता है। चूंकि यह घटना एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई, पुलिस की भागीदारी में बाद में मैनुअल को कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एर्नाकुलम में मुनबम हार्बर से निकलने वाली एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करते हैं, जहां उसका भाई डेनियल और डेनी राज भी सेठी कभी काम करता था। यात्रा के दौरान मैनुअल और जोर सबीर कलारकल और माइकल राहुल राजगोपाल सहित अनेक सदस्यों के बीच उनके कुछ कार्यों के कारण तनाव बढ़ जाते। इन टकराव से उसे डैनी की मौत के बारे में चौंकने वाली खुलासे हुई, जिसे तब तक एक दुर्घटना माना जाता है जब फिल्म का बाकी हिस्सा मैनुअल की सच्चाई की खोज और प्रीति सोच की उसकी खोज का अनुसरण करते हैं, जबकि जुड़ और अन्य लोग उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुंडल में एक अच्छी बदला लेने वाली फिल्म बनने की सामग्री थी, लेकिन इसकी बड़ी खामी इसकी घटिया पटकथा में, जिस निर्देशन अजीत निराली डॉ रॉबर्ट और सतीश थोनाकर के साथ मिलकर लिखा था, जिसमें कुछ बुनियादी कथानक बिंदुओं के अलावा और कुछ नहीं। यह देखते हुए कि कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक सीमित स्थान में सामने आते, जहां नायक और प्रतिद्वंदी हमेशा करीब रहते हैं, कहानी को एक दूसरे को ख़त्म करने में उनकी असमर्थता को समझाने के लिए केवल दुर्भाग्य से आदि पेशकश करनी चाहिए थी। तनाव को उच्च बनाए रखने के लिए ठोस क्षणों की भी आवश्यकता होती, जो कुंडल में उन अनुपस्थित थी। शुरुआत में मैनुअल को अपने गांव में मछली उथल पुथल से बचने के लिए नाव पर नौकरी करते हुए दिखाया गया कि इस बीच कुछ क्रू सदस्य उसकी पृष्ठभूमि से अवगत होने के बावजूद उसकी प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार करने लगते। हालांकि फिल्म यह स्पष्ट करने में विफल रहती कि ये पत्र अजीब व्यवहार क्यों करते हैं, यह अर्थनिहित मोक्ष क्या है। अज्ञातर तक कुंडल लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहता है, एक स्पष्ट दिशा स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है, जिससे पत्रों को बिना किसी सर्दब के सिर्फ संदिग्ध नजरों का आदान प्रदान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इंटरवल से ठीक पहले ही दर्शक को डैनी और क्रू के व्यवहार के पीछे की वास्तविक कारणों से परिचित कराया जाता है। साजिश पैदा करने के लिए मुख्य विवरणों को कुशलतापूर्वक छुपाने के बजाय कुंडल दर्शकों को काफ़ी समय तक पूरी तरह से अंधेरे में रखते, यहाँ तक कि यह समझने के लिए बुनियादी जानकारी भी प्रदान करने में विफल रहता है क्या हो रहा है। ऐसे कि पत्रों के उद्देश्यों को खुलासा होने के बाद भी कुंडल प्रभावशाली और ऑप्शन क्षणों देने में विफल रहता है, इसके बजाय यह मैनुअल या जोड़ दरा की रचित एक के बाद एक हत्या की पेंसों को प्रस्तुत करता है, जिसमें वास्तव में कोई भी नहीं मर रहा है सिवाय एक साथी कार्यकर्ता और उसी मनिका दाजन को, जो एक अश्विन की गिरावट के बाद मर जाता है।
साथ ही कई पत्रों को पहले एक्ट में काफ़ी बिल्ड ऑफ के साथ पेश किया गया था जो मैनुअल एप पर ख़तरनाक नज़र डालते, जैसे कि उनका अंत उनके हाथों होगा, फिल्में बाद में फिर से प्रकट नहीं होते हैं या यहाँ तक कि एक संक्षिप्त पर उल्लेख भी प्रपात नहीं करते, जिससे उनका वास्तविक उद्देश्य जोड़ दिया जाता है। फिल्में अस्पष्ट हालांकि कुछ पत्र जैसे कि गौतमी नायर की दर्द दी निभाया के चित्र शुरुआत में बार बार दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी ही पहचान बहुत बाद तक अस्पष्ट रहती, परिणाम स्वरूप दर्शकों को मैनुअल की यात्रा के उद्देश्य को समझाने में कठिनाई होती, जिससे नाव पर तनाव की भावना कम हो जाती और दर्शकों को पत्रों के साथ जुड़ने नहीं मिलता। स्वाद सम्मान रूप से साधारण है जो दिखावटी और पुराने जमाने के लगते हैं। अभिनेता दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए कोई बारीकियां या गहराई लाने में विफल रहते हैं। अलोसी के परिवार का क्या होगा? क्या नाव पर उसके दोस्त उसकी बहन की शादी के लिए उसकी इच्छा अनुसार व्यापार धन की व्यवस्था कर पाएंगे? क्या मैनुअल अपने और डैनी के दोस्त पीटर अभिराम राधा कृष्णा से बदला लेगा जो डैनी की हत्या के बारे में भी जानता है? कोडल को स्मार्टफोन पक्षों के उत्तर देना भूलना के साथ समाप्त तो होता है। फिल्म की विभिन्न कमियों के बावजूद इसे एंट्री की प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता से कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि अपने उच्चारण के अलावा अन्य उच्चारणों के साथ उनकी कठिनाई उनकी अभिनय सीमाएं स्पष्ट है, विशेष रूप से उपरिवर्ती समुद्र की पृष्ठभूमि में कैमरा ज़्यादातर उन पर केंद्रित है। उनका स्वर इन खामियों को एक हद तक कम करने में मदद कर रहे हैं, जिससे फिल्म को पूरी तरह से पूरा होने से रोका जा सकता है। निरसता राज भी सिटी हमेशा की तरह अपनी सीमित दृश्य में प्रभावित करती है। हालांकि ऐसे डमिंग कलाकार का उपयोग करने का विकल्प जिसकी आवाज़ राज बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैरान करने वाला है। यह ध्यान में रखते हुए कि कई मलयाली लोग राज को उनकी कन्नड़ फिल्मों और हाल ही में ममूटी स्टार टर्बो में खलनायक के रूप में उनकी भूमिका से पहचानते हैं, कुंडा की निर्माताओं को इस निर्णय पर अधिक ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अभिनेता की आवाज़ और डबिंग के बीच असंगति दर्शकों का ध्यान भटकाती स्क्रीन पर हो रहा है। जबकि सबीर कलारकल का जोड़ का चित्रण चैतरीन के खराब लेखन के कारण निराश हो गया। माइकल के रूप में राहुल राजगोपाल का प्रदर्शन कार्टून जैसे प्रतीत होते हैं, जिसमें चैतरीन की एक मात्रा भविभक्ति क्रोध की निरंतर दम तमा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप सतीश धनखड़ की फ़ैन हो और कोंडल मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कोंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंट्री वर्गीस पेपे मुख्य भूमिका में पटकटा अजीत ममपली रैलिन रॉबर्ट और सतीश है। जीतीश से एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं, दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं, जबकि श्रीजी सारंग इस पारण का प्रभार लेते हैं जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुरक्षित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको स्टैंसी एस की तरह तैयार किया गया जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जोड़ते हैं। रिलीज डेट कुंडल 30 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और पढ़े कुंडल कस्ट क्रू की। कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटिन वर्गीस पेपे मुख्य भूमिका में पटकरा अजीत ममपली रायलिन रॉबर्ट और सतीश धनखड़ का एक सहयोगात्मक प्रयास है। जितिन एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं, दूसरी कहानी कहने का वादा करते हैं और जबकि श्रीजी सारंग इस पारण का प्रभार लेते जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुनिश्चित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस के तहत तैयार किया गया जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जुड़ता है।
फिल्म कुंडल की कहानी साझा करने चाहेंगे। यह कलाकारों और क्रू के बारे में अपडेट प्रदान स्वीकरण पोस्टर के बैकड्रॉप कुंडल फिल्म समीक्षा एंथनी वर्गीस पीपी की एक्शन फिल्म गुल्लक्षीन लेखन ने बर्बाद कर दिए। कुंडल एक समीक्षा फिल्म एंथनी वर्गीस पीपी को एक्शन हीरो उपनाम से पेश करती और इस संबंध में कुंडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्ट हासिल करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन करते हैं। कुंडल फिल्म की समीक्षा एक व्यतीत अपने मुख्य आधारों पर अन्याय करने वालों को खत्म करने के लिए प्रति शत्रुन हिस्सा पर उतारू हो जाते हैं। यह उस सिनेमा में एक परिचित उधार है, फिर भी यह लोकप्रिय बना हुआ है और अगर कम से कम शलीनता से क्रियान्वित किया जाए तो यह अभी भी जनता के बीच गूंज सकता है। खासकर प्रो कोर से जुड़ी इसकी भावनात्मक गहराई के कारण हालांकि नवोदित निर्देशन अजीत मम्पली की कुंडल रोनाल्ड रेंडलर काउट जिसमें एंटनी वर्गीस पीपी राजवी सेठी और सबीर कलारकल की मुख्य भूमिका में इस आजमाए में असच्ची आधार के बावजूद खराब और लक्षहीन लेखन के कारण कमजोर पड़ जाती। फिल्म एंटनी को एक्शन हीरो उपनाम से परिचित करा दी और इस संबंध में कोडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता का लाभ उठाते हुए काम कर रहे। फिल्म की सेटिंग से यह और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर सामने आता है जिससे तनाव बढ़ जाता है। तिरुवनंतपुरम के तटीय गांव की आसू थेंगो का रहने वाला इमैनुएल उर्फ मैनुअल एंटनी लापरवाही से रह रहा है और अपने ज्यादातर समय शराब पीने में बिताते हैं। हालांकि वह अपने परिवार के करीब रहते और हर तरह से उनका समर्थन करते हैं लेकिन उसका आत्म विनाशकारी व्यवहार कुछ और गहरा संकेत देता है कि इस बीच वह गांव जहां अधिकांश लोगों की मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं एक संकट का सामना करता है। जब स्टीफन एंसन्स एक स्थानीय कंपनी सड़ी हुई मछली बेचने के लिए उजागर होती जिसे गांव खराब प्रचार का लक्ष्य बन जाते हैं। चूंकि मछुआरे अपनी पकड़ी मछली बेचने के लिए संघर्ष करें इसलिए वे मांग करते कि कंपनी जिम्मेदारी ले और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि केवल उनकी मछली खराब हुई है जिससे अन्य मछुआरों का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हालांकि कंपनी की मालिक एस्पेडिकम सनी और उसे मांगों को नज़रअंदाज करते हैं और अधिक मछलियाँ लाने का प्रयास करते हैं जिससे दोनों पक्षों को बीच टकराव होते हैं। मैनुअल के घटनास्थल पर प्रवेश करती संघर्ष एक हिंसक खून खराबे वाले विवाद में बदल जाता है। चूंकि यह घटना एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई पुलिस की भागीदारी में बाद में मैनुअल को कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एर्नाकुलम में मुनबम हार्बर से निकलने वाली एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करते हैं जहां उसका भाई डेनियल और डेनियल राज भी सेठी कभी काम करता था। यात्रा के दौरान मैनुअल और जूर सबीर कलारकल और माइकल राहुल राजगोपाल सहित अन्य क्रू सदस्यों के बीच उनके कुछ कार्यों के कारण तनाव बढ़ जाते हैं। इन टकराव से जैसे डैनी की मौत के बारे में चौंकने वाली खुलासी हुई जिसे तब तक एक दुर्घटना माना जाता है जब फिल्म का बाकी हिस्सा मैनुअल की सच्चाई की खोज और प्रीति सोच की उसकी खोज का अनुसरण करते हैं जबकि जूर और अन्य लोग उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुंडल में एक अच्छी बदला लेने वाली फिल्म बनने की सामग्रियाँ थी लेकिन इसकी बड़ी खामी इसकी घटिया पटकथा में जिस निर्देशन अजीत निराली डॉ रॉबर्ट और सतीश थोनाकल के साथ मिलकर लिखा था जिसमें कुछ बुनियादी कथानक बिंदुओं के अलावा और कुछ नहीं। यह देखते हुए कि कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक सीमित स्थान में सामने आते जहाँ नायक और प्रतिद्वंदी हमेशा करीब रहते हैं कहानी को एक दूसरे को ख़त्म करने में उनकी असमर्थता को समझाने के लिए केवल दुर्भाग्य से आदि पेशकश करनी चाहिए थी। तनाव को उच्च बनाए रखने के लिए ठोस क्षणों की भी आवश्यकता होती जो कुंडल में उन
अनुपज देखती है। शुरुआत में मैनुअल को अपने गांव में मची उथल पुथल से बचने के लिए नाव पर नौकरी करते हुए दिखाया गया कि इस बीच कुछ क्रूज सदस्य उसकी पृष्ठभूमि से अवगत होने के बावजूद उसकी प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार करने लगते। हालांकि फिल्म यह स्पष्ट करने में विफल रहती कि ये पत्र अजीब व्यवहार क्यों करते हैं, यह अर्थनिहित मोक्ष क्या है। अज्ञातर तक कुंडल लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहता है, एक स्पष्ट दिशा स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है, जिसे पत्रों को बिना किसी सर्दब के सिर्फ संदिग्ध नजरों का आदान प्रदान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इंटरवल से ठीक पहले ही दर्शक को डैनी और क्रू के व्यवहार के पीछे की वास्तविक कारणों से परिचित कराया जाता है। साजिश पैदा करने के लिए मुख्य विवरणों को कुशलता पूर्वक छुपाने के बजाय कुंडल दर्शकों को काफी समय तक पूरी तरह से अंधेरे में रखते, यहाँ तक कि यह समझने के लिए बुनियादी जानकारी भी प्रदान करने में विफल रहता है। क्या हो रहा है ऐसे कि पत्रों के उद्देश्यों को खुलासा होने के बाद भी कुंडल प्रभावशाली और आकर्षणों देने में विफल रहता है। इसके बजाय यह मैनुअल या जोड़ द्वारा की रचित एक के बाद एक हत्या की प्रेमसों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें वास्तव में कोई भी नहीं मर रहा है सिवाय एक साथी कार्यकर्ता और उसी मनिका दाजन को, जो एक अश्विन की गिरावट के बाद मर जाता है। साथ ही कई पत्रों को पहले एक्ट में काफ़ी बिल्ड अप के साथ पेश किया गया था, जो मैनुअल एक पर खतरनाक नज़र डालते, जैसे कि उनका अंत उनके हाथों होगा, फिर में बाद में फिर से प्रकट नहीं होते हैं या यहाँ तक कि एक संक्षिप्त पर उल्लेख भी प्रपात नहीं करते, जिससे उनका वास्तविक उद्देश्य जोड़ दिया जाता है। फिर में असफल हालांकि कुछ पत्र जैसे कि गौतमी नायर के दर्द दी निभाया के चित्र शुरुआत में बार बार दिखाई देते, लेकिन उनकी ही पहचान बहुत बाद तक अस्पष्ट रहती, परिणामस्वरूप दर्शकों को मैनुअल की यात्रा के उद्देश्य को समझाने में कठिनाई होती, जिससे नाव पर तनाव की भावना कम हो जाती और दर्शकों को पत्रों के साथ जुड़ने नहीं मिलता। स्वाद सम्मान रूप से साधारण है, जो दिखावटी और पुराने जमाने के लगते हैं। अभिनेता दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए कोई बारीकियां या गहराई लाने में विफल रहते हैं। अलोसी के परिवार का क्या होगा, क्या नाव पर उसके दोस्त उसकी बहन की शादी के लिए उसकी इच्छा अनुसार प्रपार धन की व्यवस्था कर पाएंगे, क्या मैनुअल अपने और डैनी के दोस्त पीटर अभिराम राधा कृष्णा से बदला लेगा, जो डैनी की हत्या के बारे में भी जानता है। कोडल को स्मार्टपूर्ण पक्षों के उत्तर देना भूलना के साथ समाप्त तो होता है। फिल्म की विभिन्न कमियों के बावजूद इसे एंट्री की प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता से कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि अपने उच्चारण के अलावा अन्य उच्चारणों के साथ उनकी कठिनाई उनकी अभिनय सीमाएं स्पष्ट है, विशेष रूप से ऊपरीवर्ती समुद्र की पृष्ठभूमि में कैमरा ज़्यादातर उन पर केंद्रित है। उनका स्वर इन खामियों को एक हद तक कम करने में मदद कर रहे, जिससे फिल्म को पूरी तरह से पूरा होने से रोका जा सकता है। निरसता राज भी सिटी हमेशा की तरह अपनी सीमित दृश्य में प्रभावित करती है, हालांकि ऐसे डमिंग कलाकार का उपयोग करने का विकल्प जिसकी आवाज़ राज बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैरान करने वाला है। यह ध्यान में रखते हुए कि कई मलयाली लोग राज को उनकी कन्नड़ फिल्मों और हाल ही में ममूटी स्टार टर्बो में खलनायक के रूप में उनकी भूमिका से पहचानते हैं, कुंडल की निर्माताओं को इस निर्णय पर अधिक ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अभिनेता की आवाज़ और डबिंग के बीच असंगति दर्शकों का ध्यान भटकाती स्क्रीन पर हो रहा है, जबकि सबीर कलारकल का जोड़ का चित्रण चैतरीन के खराब लेखन के कारण निराश हो गया। माइकल के रूप में राहुल राजगोपाल का प्रदर्शन कार्टून जैसे प्रतीत होते हैं, जिसमें चैतरीन की एक मात्रा भविभक्ति क्रोध की निरंतर दम तमा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप सतीश थोनकर के फैन हो और
कोंडल मूवी को देखना पसंद करती हूँ और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हूँ, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कोंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटनी वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत ममपली, रैलिन रॉबर्ट और सतीश है। जीतीश से एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभाल के दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं, जबकि श्रीजी सारंग इस वादन का प्रभार लेते जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुरक्षित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस की तरह तैयार किया गया जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जोड़ते हैं। रिलीज डेट कोंडल 30 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और पढ़े कोंडल कास्ट क्रू की। कोंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटिन वर्गिस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत ममपली, रायलिन रॉबर्ट और सतीश धनखड़ का एक सहयोगात्मक प्रयास है। जितिन एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं, दूसरी कहानी कहने का वादा करते हैं और जबकि श्रीजी सारंग इस वादन का प्रभार लेते जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुनिश्चित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस के तहत तैयार किया गया जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जुड़ते हैं। फिल्म कोंडल की कहानी साझा करने चाहेंगे या कलाकारों और क्रू के बारे में आप दिन प्रदान स्वीकरण पोस्टर के बैकड्रॉप। कोंडल फिल्म समीक्षा एंथनी वर्गीस पेपी की एक्शन फिल्म को लक्ष्यहीन लेखन ने बर्बाद कर दिया। कोंडल एक समीक्षा फिल्म एंथनी वर्गीस पेपी को एक्शन हीरो उपनाम से पेश करती है और इस संबंध में कोंडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्ट हासिल करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन करते हैं। कोंडल फिल्म की समीक्षा एक व्यतीत अपने मुख्य आधारों पर अन्याय करने वालों को खत्म करने के लिए प्रति शोधपूर्ण हिस्सा पर उतारू हो जाते हैं। यह उस सिनेमा में एक परिचित उदाहरण है, फिर भी यह लोकप्रिय बना हुआ है और अगर कम से कम शलीनता से क्रियान्वित किया जाए तो यह अभी भी जनता के बीच गूंज सकता है। खासकर प्रो कोर्स से जुड़ी इसकी भावनात्मक गहराई के कारण हालांकि नवोदित निर्देशन अजीत ममपली की कोंडल रोनाल्ड रेंडलकाउट जिसमें एंटनी वर्गीस पीपी राजवी सेठी और सबीर कलारकल की मुख्य भूमिका में इस आजमाएं में असच्ची आधार के बावजूद खराब और लक्ष्यहीन लेखन के कारण कमजोर पड़ जाती। फिल्म एंटनी को एक्शन हीरो उपनाम से परिचित करा दी और इस संबंध में कोंडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता का लाभ उठाते हुए काम कर दे। फिल्म की सेटिंग से यह और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर सामने आता है जिससे तनाव बढ़ जाता है। तिरुवनंतपुरम के तटीय गांव की आसुथेंगो का रहने वाला इमैनुएल उर्फ मैनुएल एंटनी लापरवाही से रह रहा है और अपने ज्यादातर समय शराब पीने में बिताते हैं। हालांकि वह अपने परिवार के करीब रहते और हर तरह से उनका समर्थन करते हैं, लेकिन उसका आत्म विनाशकारी व्यवहार कुछ और गहरा संकेत देता है कि इस बीच वह गांव जहां अधिकांश लोगों की मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं एक संकट का सामना करता है। जब स्टीफन एंसन्स एक स्थानीय कंपनी सड़ी हुई मछली बेचने के लिए उजागर होती जिसे गांव खराब प्रचार का लक्ष्य बन जाते हैं। चूँकि मछुआरे अपनी पकड़ी मछली बेचने के लिए संघर्ष करें इसलिए वे मांग करते कि कंपनी जिम्मेदारी ले और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि केवल उनकी मछली खराब हुई है जिससे अन्य मछुआरों का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हालांकि कंपनी की मालिक एस्पेडिकम सनी और उसकी मांगों को नज़रअंदाज करते हैं और अधिक मछलियाँ लाने का प्रयास करते हैं जिससे दोनों पक्षों को बीच टकराव होते। मैनुअल की घटनास्थल पर प्रवेश करती संघर्ष एक हिंसक खून खराबे वाले विवाद में बदल जाता है। चूंकि यह घटना एक प्रमुख चर्चा का
विषय बन गई। पुलिस की भागीदारी में बाद में मैनुअल को कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एर्नाकुलम में मुनबम हार्बर से निकलने वाली एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करते हैं, जहां उसका भाई डेनियल और डेनियल राज भी सेठी कभी काम करता था। यात्रा के दौरान मैनुअल और जूर सबीर कलारकल और माइकल राहुल राजगोपाल सहित अनेक सदस्यों के बीच उनके कुछ कार्यों के कारण तनाव बढ़ जाते। इन टकराव से उसे डैनी की मौत के बारे में चौंकने वाली खुलासी हुई, जिसे तब तक एक दुर्घटना माना जाता है जब फिल्म का बाकी हिस्सा मैनुअल की सच्चाई की खोज और प्रीति सोच की उसकी खोज का अनुसरण करते हैं, जबकि जूर और अन्य लोग उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुंडल में एक अच्छी बदला लेने वाली फिल्म बनने की सामग्रियाँ थी, लेकिन इसकी बड़ी खामी इसकी घटिया पटकथा में, जिस निर्देशन अजीत निराली डॉ रॉबर्ट और सतीश थुनाकल के साथ मिलकर लिखा था, जिसमें कुछ बुनियादी कथानक बिंदुओं के अलावा और कुछ नहीं। यह देखते हुए कि कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक सीमित स्थान में सामने आते, जहां नायक और प्रतिद्वंदी हमेशा करीब रहते हैं, कहानी को एक दूसरे को ख़त्म करने में उनकी असमर्थता को समझाने के लिए केवल दुर्भाग्य से अधिक पेशकश करनी चाहिए थी। तनाव को उच्च बनाए रखने के लिए ठोस क्षणों की भी आवश्यकता होती है, जो कुंडल में अनुपस्थित है। शुरुआत में मैनुअल को अपने गांव में मछली उथल पुथल से बचने के लिए नाव पर नौकरी करते हुए दिखाया गया कि इस बीच कुछ क्रू सदस्य उसकी पृष्ठभूमि से अवगत होने के बावजूद उसकी प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार करने लगते। हालांकि फिल्म यह स्पष्ट करने में विफल रहती कि ये पत्र अजीब व्यवहार क्यों करते हैं, यह अर्थनिहित मोक्षा क्या है। अज्ञातर तक कुंडल लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहता है, एक स्पष्ट दिशा स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है, जिसे पत्रों को बिना किसी सर्दब के सिर्फ संदिग्ध नजरों का आदान प्रदान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इंटरवल से ठीक पहले ही दर्शक को डैनी और क्रू के व्यवहार के पीछे की वास्तविक कारणों से परिचित कराया जाता है। साजिश पैदा करने के लिए मुख्य विवरणों को कुशलतापूर्वक छुपाने के बजाय कुंडल दर्शकों को काफ़ी समय तक पूरी तरह से अंधेरे में रहते, यहाँ तक कि यह समझने के लिए बुनियादी जानकारी भी प्रदान करने में विफल रहता है क्या हो रहा है। ऐसे कि पत्रों के उद्देश्यों को खुलासा होने के बाद भी कुंडल प्रभावशाली और अफंक्शनों देने में विफल रहता है, इसके बजाय यह मैनुअल या जोड़ द्वारा की रचित एक के बाद एक हत्या की प्रेमसों को प्रस्तुत कर रहे, जिसमें वास्तव में कोई भी नहीं मर रहा है सिवाय एक साथी कार्यकर्ता और उसी मनिका दासन को, जो एक अश्विन की गिरावट के बाद मर जाता है। साथ ही कई पत्रों को पहले एक्ट में काफ़ी बिल्ड अप के साथ पेश किया गया था, जो मैनुअल एक पर खतरनाक नज़र डालते, जैसे कि उनका अंत उनके हाथों होगा, फिर में बाद में फिर से प्रकट नहीं होते हैं, या यहाँ तक कि एक संक्षिप्त पर उल्लेख भी प्रपात नहीं करते, जिससे उनका वास्तविक उद्देश्य जोड़ दिया जाता है। फिर में असमच हालांकि कुछ पत्र जैसे कि गौतमी नायर के दर्द दी निभाया गया चित्र शुरुआत में बार बार दिखाई देते, लेकिन उनकी ही पहचान बहुत बाद तक अस्पष्ट रहती, परिणामस्वरूप दर्शकों को मैनुअल की यात्रा के उद्देश्य को समझाने में कठिनाई होती, जिससे नाव पर तनाव की भावना कम हो जाती और दर्शकों को पत्रों के साथ जुड़ने नहीं मिलता। स्वाद सम्मान रूप से साधारण है, जो दिखावटी और पुराने जमाने के लगते हैं। अभिनेता दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए कोई बारीकियां या गहराई लाने में विफल रहते हैं। अलोसी के परिवार का क्या होगा, क्या नाव पर उसकी दोस्त उसकी बहन की शादी के लिए उसकी इच्छा अनुसार प्रपार धन की व्यवस्था कर पाएंगे, क्या मैनुअल अपने और डैनी के दोस्त पीटर अभिराम राधा कृष्णा से बदला लेगा, जो डैनी की हत्या के बारे में भी जानता है। कुंडल को इस महत्वपूर्ण पक्षों के उत्तर देना भूलना के साथ समाप्त होता है। फिल्म की विभिन्न कमियों के बावजूद इसे एंट्री की प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और
एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता से कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि अपने उच्चारण के अलावा अन्य उच्चारणों के साथ उनकी कठिनाई उनकी अभिनय सीमाएं स्पष्ट है। विशेष रूप से ऊपरीवर्ती समुद्र की पृष्ठभूमि में कैमरा ज़्यादातर उन पर केंद्रित है। उनका स्वयं इन खामियों को एक हद तक कम करने में मदद कर रहे हैं, जिससे फिल्म को पूरी तरह से पूरा होने से रोका जा सकता है। निरसता राज भी सिटी हमेशा की तरह अपनी सीमित दृश्य में प्रभावित करती है। हालांकि ऐसे डमी कलाकार का उपयोग करने का विकल्प जिसकी आवाज़ राज बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैरान करने वाला है। यह ध्यान में रखते हुए कि कई मलयाली लोग राज को उनकी कन्नड़ फिल्मों और हाल ही में ममूटी स्टार टर्बो में खलनायक के रूप में उनकी भूमिका से पहचानते हैं। कुंडा की निर्माताओं को इस निर्णय पर अधिक ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अभिनेता की आवाज़ और डबिंग के बीच असंगति दर्शकों का ध्यान भटकाती स्क्रीन पर हो रहा है। जबकि सबीर कलारकल का जोड़ का चित्रण चैतरीन के खराब लेखन के कारण निराश हो गया। माइकल के रूप में राहुल राजगोपाल का प्रदर्शन कार्टून जैसे प्रतीत होते हैं, जिसमें चैतरीन की एक मात्रा भविभक्ति क्रोध की निरंतर दम तमा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप सतीश धनखड़ के फैन हो और कुंडल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटनी वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत ममपली, रैलिन रॉबर्ट और सतीश है। जीतीश से एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं। दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं, जबकि श्रीजी सारंग इस वादन का प्रभार लेते, जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुरक्षित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस की तरह तैयार किया गया, जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जोड़ते हैं। रिलीज डेट कुंडल 30 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और पढ़े कुंडल कास्ट क्रू की, कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटिन वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत ममपली, रायलिन रॉबर्ट और सतीश धनखड़ का एक सहयोगात्मक प्रयास है। जितिन एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं। दूसरी कहानी कहने का वादा करते हैं और जबकि श्रीजी सारंग इस पादन का प्रभार लेते, जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुनिश्चित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस के तहत तैयार किया गया, जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जुड़ते हैं। फिल्म कुंडल की कहानी साझा करने चाहेंगे या कलाकारों और क्रू के बारे में आप दिन प्रदान स्वीकरण पोस्टर के बैकड्रॉप। कुंडल फिल्म समीक्षा एंथनी वर्गीस पेपे की एक्शन फिल्म को लक्ष्यहीन लेखन ने बर्बाद कर दिया। कुंडल एक समीक्षा फिल्म एंथनी वर्गीस पेपे को एक्शन हीरो उपनाम से पेश करती और इस संबंध में कुंडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्ट हासिल करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन करते हैं। कुंडल फिल्म की समीक्षा एक व्यतीत अपने मुख्य आधारों पर अन्याय करने वालों को खत्म करने के लिए प्रति शोधपूर्ण हिस्सा पर उतारू हो जाते हैं। यह उस सिनेमा में एक परिचित उदाहरण है, फिर भी यह लोकप्रिय बना हुआ है और अगर कम से कम शलीनता से क्रियान्वित किया जाए तो यह अभी भी जनता के बीच गूंज सकता है। खासकर प्रो कोर्स से जुड़ी इसकी भावनात्मक गहराई के कारण हालांकि नवोदित निर्देशन अजीत ममपली की कुंडल रेंडलकाउट, जिसमें एंटनी वर्गीस, पीपी राजवी सेठी और सबीर कलारकल की मुख्य भूमिका में, इस आजमाए में असच्ची आधार के बावजूद खराब और लक्षहीन लेखन के कारण
कमजोर पड़ जाती। फिल्म एंटनी को एक्शन हीरो उपनाम से परिचित करा दी और इस संबंध में कोडल कच्चे सटन दुलसियों में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता का लब उठाते हुए काम कर दे। फिल्म की सेटिंग से यह और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर सामने आता है जिससे तनाव बढ़ जाता है। तिरुवनंतपुरम के तटीय गांव की आसुथेंगो का रहने वाला इमैनुएल उर्फ मैनुअल एंटनी लापरवाही से रह रहा है और अपने ज़्यादातर समय शराब पीने में बिताते हैं। हालांकि वह अपने परिवार के करीब रहते और हर तरह से उनका समर्थन करते हैं, लेकिन उसका आत्म विनाशकारी व्यवहार कुछ और गहरा संकेत देता है कि इस बीच वह गांव जहां अधिकांश लोगों की मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, एक संकट का सामना करता है जब स्टीफन एंसन्स एक स्थानीय कंपनी सड़ी हुई मछली बेचने के लिए उजागर होती जिसे गांव खराब प्रचार का लक्ष्य बन जाते हैं। चूँकि मछुआरे अपनी पकड़ी मछली बेचने के लिए संघर्ष करें इसलिए वे मांग करते कि कंपनी जिम्मेदारी ले और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि केवल उनकी मछली खराब हुई है जिससे अन्य मछुआरों का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हालांकि कंपनी की मालिक एस्पेडिकम सनी और उसकी मांगों को नज़रअंदाज करते हैं और अधिक मछलियाँ लाने का प्रयास करते हैं जिससे दोनों पक्षों को बीच टकराव होते। मैनुअल की घटनास्थल पर प्रवेश करती संघर्ष एक हिंसक खून खराबे वाले विवाद में बदल जाता है। चूंकि यह घटना एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई, पुलिस की भागीदारी में बाद में मैनुअल को कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एर्नाकुलम में मुनबम हार्बर से निकलने वाली एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करते हैं जहाँ उसका भाई डेनियल और डेनियल राज भी सेठी कभी काम करता था। यात्रा के दौरान मैनुअल और जूर सबीर कलारकल और माइकल राहुल राजगोपाल सहित अनेक सदस्यों के बीच उनके कुछ कार्यों के कारण तनाव बढ़ जाते। इन टकराव से उसे डैनी की मौत के बारे में चौंकने वाली खुलासी हुई जिसे तब तक एक दुर्घटना माना जाता है जब फिल्म का बाकी हिस्सा मैनुअल की सच्चाई की खोज और प्रीति सोच की उसकी खोज का अनुसरण करते हैं जबकि जूर और अन्य लोग उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुंडल में एक अच्छी बदला लेने वाली फिल्म बनने की सामग्रियाँ थी लेकिन इसकी बड़ी खामी इसकी घटिया पटकथा में जिसे निर्देशन अजीत निराली रॉबर्ट और सतीश थोनाकर के साथ मिलकर लिखा था जिसमें कुछ बुनियादी कथानक बिंदुओं के अलावा और कुछ नहीं। यह देखते हुए कि कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक सीमित स्थान में सामने आते जहां नायक और प्रतिद्वंदी हमेशा करीब रहते हैं, कहानी को एक दूसरे को ख़त्म करने में उनकी असमर्थता को समझाने के लिए केवल दुर्भाग्य से आदि पेशकश करनी चाहिए थी। तनाव को उच्च बनाए रखने के लिए ठोस क्षणों की भी आवश्यकता होती है जो कुंडल में उन अनुपस्थित थी। शुरुआत में मैनुअल को अपने गांव में मछली उथल पुथल से बचने के लिए नाव पर नौकरी करते हुए दिखाया गया कि इस बीच कुछ क्रूज सदस्य उसकी पृष्ठभूमि से अवगत होने के बावजूद उसके प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार करने लगते। हालांकि फिल्म यह स्पष्ट करने में विफल रहती कि ये पत्र अजीब व्यवहार क्यों करते हैं, यह अर्थनिहित मोक्षा क्या है। अज्ञातर तक कुंडल लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहता है, एक स्पष्ट दिशा स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है जिससे पत्रों को बिना किसी सर्दब के सिर्फ संदिग्ध नजरों का आदान प्रदान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इंटरवल से ठीक पहले ही दर्शक को डैनी और क्रू के व्यवहार के पीछे की वास्तविक कारणों से परिचित कराया जाता है। साजिश पैदा करने के लिए मुख्य विवरणों को कुशलतापूर्वक छुपाने के बजाय कुंडल दर्शकों को काफ़ी समय तक पूरी तरह से अंधेरे में रहते हैं, यहाँ तक कि यह समझने के लिए बुनियादी जानकारी भी प्रदान करने में विफल रहता है क्या हो रहा है। ऐसे कि पत्रों के उद्देश्यों को खुलासा होने के बाद भी कुंडल प्रभावशाली और आकर्षणों देने में विफल रहता है, इसके बजाय यह मैनुअल या जोड़ द्वारा की रचित एक के बाद एक हत्या की प्रेमसों को प्रस्तुत करता है जिसमें
वास्तव में कोई भी नहीं मर रहा है सिवाय एक साथी कार्यकर्ता और उसी मनेका दाजन को, जो एक अस्बिन की गिरावट के बाद मर जाता है। साथ ही कई पत्रों को पहले एक्ट में काफ़ी बिल्ड अप के साथ पेश किया गया था, जो मैनुअल एक पर ख़तरनाक नज़र डालते, जैसे कि उनका अंत उनके हाथों होगा, फिल्म में बाद में फिर से प्रकट नहीं होते हैं, या यहाँ तक कि एक संक्षिप्त उल्लेख भी प्रपात नहीं करते, जिससे उनका वास्तविक उद्देश्य जोड़ दिया जाता है। फिल्म में असफल हालांकि कुछ पत्र, जैसे कि गौतमी नायर के दर्द दी निभाया के चित्र शुरुआत में बार बार दिखाई देते, लेकिन उनकी ही पहचान बहुत बाद तक अस्पष्ट रहती, पर स्वरूप दर्शकों को मैनुअल की यात्रा के उद्देश्य को समझाने में कठिनाई होती, जिससे नाव पर तनाव की भावना कम हो जाती और दर्शकों को पत्रों के साथ जुड़ने नहीं मिलता। स्वाद सम्मान रूप से साधारण है, जो दिखावटी और पुराने जमाने के लगते हैं। अभिनेता दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए कोई बारीकियां या गहराई लाने में विफल रहते हैं। अलोसी के परिवार का क्या होगा? क्या नाव पर उसके दोस्त उसकी बहन की शादी के लिए उसकी इच्छा अनुसार प्रपाय धन की व्यवस्था कर पाएंगे? क्या मैनुअल अपने और डैनी के दोस्त पीटर अभिराम राधा कृष्णा से बदला लेगा, जो डैनी की हत्या के बारे में भी जानता है? कोडल को स्मार्टपूर्ण पक्षों के उत्तर देना भूलना के साथ समाप्त होता है। फिल्म की विभिन्न कमियों के बावजूद इसे एंट्री की प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता से कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि अपने उच्चारण के अलावा अन्य उच्चारणों के साथ उनकी कठिनाई उनकी अभिनय सीमाएं स्पष्ट है, विशेष रूप से उपरिवर्ती समुद्र की पृष्ठभूमि में कैमरा ज़्यादातर उन पर केंद्रित है। उनका स्वर इन खामियों को एक हद तक कम करने में मदद कर रहे, जिससे फिल्म को पूरी तरह से पूरा होने से रोका जा सकता है। निरसता राज बी सिटी हमेशा की तरह अपनी सीमित दृश्य में प्रभावित करती है। हालांकि ऐसे डमी कलाकार का उपयोग करने का विकल्प जिसकी आवाज़ राज बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, हैरान करने वाला है। यह ध्यान में रखते हुए कि कई मलयाली लोग राज को उनकी कन्नड़ फिल्मों और हाल ही में ममूटी स्टार टर्बो में खलनायक के रूप में उनकी भूमिका से पहचानते हैं, कुंडा की निर्माताओं को इस निर्णय पर अधिक ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अभिनेता की आवाज़ और डबिंग के बीच असंगति दर्शकों का ध्यान भटकाती स्क्रीन पर हो रहा है, जबकि सबीर कलारकल का जोड़ का चित्रण चैतरीन के खराब लेखन के कारण निराश हो गया। माइकल के रूप में राहुल राजगोपाल का प्रदर्शन कार्टून जैसे प्रतीत होता है, जिसमें चैतरीन की एक मात्रा भविभक्ति क्रोध की निरंतर दम तमा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सतीश धनखड़ के फैन हो और कोंडल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कोंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की द्वारा निर्देशित है और इसमें एंटनी वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत ममपली, रैलिन रॉबर्ट और सतीश है। जीतीश से स्टैनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभाल के दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं, जबकि श्रीजी सारंग इस पालन का प्रभार लेते हैं, जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुरक्षित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस की तरह तैयार किया गया, जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जोड़ते हैं। रिलीज डेट कोंडल 30 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और पढ़े कोंडल कस्ट क्रू की, कोंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटिन वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत ममपली, रायलिन रॉबर्ट और सतीश धनखड़ का एक सहयोगात्मक प्रयास है। जितिन स्टैनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं, दूसरी कहानी कहने का वादा करते हैं और जबकि श्रीजी सारंग इस पालन का प्रभार लेते, जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुनिश्चित होता है।
संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर सैम सी एस के द्वारा तैयार किया गया, जो फिल्म के माहौल में गहराई और भावना जुड़ता है। फिल्म कुंडल की कहानी साझा करने चाहेंगे या कलाकारों और क्रू के बारे में आप दिन प्रदान स्वीकरण पोस्टर के बैकड्रॉप कुंडल फिल्म समीक्षा एंथनी वर्गिस पीपे की एक्शन फिल्म को लक्षहीन लेखन ने बर्बाद कर दिया। कुंडल एक समीक्षा फिल्म एंथनी वर्गिस पीपे को एक्शन हीरो उपनाम से पेश करती और इस संबंध में कुंडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्टता हासिल करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन करते हैं। कुंडल फिल्म की समीक्षा एक व्यतीत अपने मुख्य आधारों पर अन्याय करने वालों को खत्म करने के लिए प्रतिशोधपूर्ण हिस्सा पर उतारू हो जाते हैं। यह उस सिनेमा में एक परिचित उदाहरण है, फिर भी यह लोकप्रिय बना हुआ है और अगर कम से कम शलीनता से क्रियान्वित किया जाए तो यह अभी भी जनता के बीच गूंज सकता है। खासकर प्रो कोर्स से जुड़ी इसकी भावनात्मक गहराई के कारण हालांकि नवोदित निर्देशन अजीत मम्पली की कोंडल रोनाल्ड रेंडलर काउट जिसमें एंटनी वर्गिस पीपी राजवी सेठी और सभी कलाकार की मुख्य भूमिका में इस आजमाएं में और सच्ची आधार के बावजूद खराब और लक्षहीन लेखन के कारण कमजोर पड़ जाती। फिल्म एंटनी को एक्शन हीरो उपनाम से परिचित करा दी और इस संबंध में कोडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता का लाभ उठाते हुए काम करते। फिल्म की सेटिंग से यह और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर सामने आता है जिससे तनाव बढ़ जाता है। तिरुवनंतपुरम के तटीय गांव की आसू थेंगो का रहने वाला इमैनुएल उर्फ मैनुअल एंटनी लापरवाही से रह रहा है और अपने ज़्यादातर समय शराब पीने में बताते हैं। हालांकि वह अपने परिवार के करीब रहते और हर तरह से उनका समर्थन करते हैं, लेकिन उसका आत्म विनाशकारी व्यवहार कुछ और गहरा संकेत देता है कि इस बीच वह गांव जहां अधिकांश लोग की मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं एक संकट का सामना करता है। जब स्टीफन एंसन्स एक स्थानीय कंपनी सड़ी हुई मछली बेचने के लिए उजागर होती जिसे गांव खराब प्रचार का लक्ष्य बन जाते हैं। चूँकि मछुआरे अपनी पकड़ी मछली बेचने के लिए संघर्ष करें इसलिए वे मांग करते कि कंपनी जिम्मेदारी ले और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि केवल उनकी मछली खराब हुई है जिससे अन्य मछुआरों का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हालांकि कंपनी की मालिक एस्पेडिकम सनी और उसकी मांगों को नज़रअंदाज करते हैं और अधिक मछलियाँ लाने का प्रयास करते हैं जिससे दोनों पक्षों को बीच टकराव होते। मैनुअल के घटनास्थल पर प्रवेश करती संघर्ष एक हिंसक खून खराबे वाले विवाद में बदल जाता है। चूंकि यह घटना एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई, पुलिस की भागीदारी में बाद में मैनुअल को कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एर्नाकुलम में मुनबम हार्बर से निकलने वाली एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करते हैं जहाँ उसका भाई डेनियल और डेनियल राजवी सेठी कभी काम करता था। यात्रा के दौरान मैनुअल और जूर सबीर कलारकल और माइकल राहुल राजगोपाल सहित अनेक सदस्यों के बीच उनके कुछ कार्यों के कारण तनाव बढ़ जाते। इन टकराव से उसे डैनी की मौत के बारे में चौंकने वाली खुलासी हुई जिसे तब तक एक दुर्घटना माना जाता है जब फिल्म का बाकी हिस्सा मैनुअल की सच्चाई की खोज और प्रीति सोच की उसकी खोज का अनुसरण करते हैं जबकि जुर और अन्य लोग उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुंडल में एक अच्छी बदला लेने वाली फिल्म बनने की सामग्रियाँ थी लेकिन इसकी बड़ी खामी इसकी घटिया पटकथा में जिस निर्देशन अजीत निराली दौर रॉबर्ट और सतीश थोनाकल के साथ मिलकर लिखा था जिसमें कुछ बुनियादी कथानक बिंदुओं के अलावा और कुछ नहीं। यह देखते हुए कि कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक सीमित स्थान में सामने आते जहां नायक और प्रतिद्वंदी हमेशा करीब रहते हैं कहानी को एक दूसरे को ख़त्म करने में उनकी असमर्थता को समझाने के लिए केवल दुर्भाग्य से आदि पेशकश करनी चाहिए थी।
तनाव को उच्च बनाए रखने के लिए ठोस क्षणों की भी आवश्यकता होती है जो कुंडल में अनुपस्थित है। शुरुआत में मैनुअल को अपने गांव में मची उथल पुथल से बचने के लिए नाव पर नौकरी करते हुए दिखाया गया कि इस बीच कुछ क्रूज सदस्य उसकी पृष्ठभूमि से अवगत होने के बावजूद उसके प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार करने लगते। हालांकि फिल्म यह स्पष्ट करने में विफल रहती कि ये पत्र अजीब व्यवहार क्यों करते हैं, यह अर्थनिहित मोक्ष क्या है। अज्ञातर तक कुंडल लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहता है, एक स्पष्ट दिशा स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है, जिससे पत्रों को बिना किसी सर्दर्द की सिर्फ संदिग्ध नजरों का आदान प्रदान करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इंटरवल से ठीक पहले ही दर्शक को डैनी और क्रू की व्यवहार के पीछे की वास्तविक कारणों से परिचित कराया जाता है। साजिश पैदा करने के लिए मुख्य विवरणों को कुशलतापूर्वक छुपाने के बजाय कुंडल दर्शकों को काफी समय तक पूरी तरह से अंधेरे में रहते हैं, यहाँ तक कि यह समझने के लिए बुनियादी जानकारी भी प्रदान करने में विफल रहता है। क्या हो रहा है ऐसे कि पत्रों के उद्देश्यों को खुलासा होने के बाद भी कुंडल प्रभावशाली और आकर्षणों देने में विफल रहता है। इसके बजाय यह मैनुअल या जोड़ द्वारा की रचित एक के बाद एक हत्या की प्रेमसों को प्रस्तुत करते हैं जिसमें वास्तव में कोई भी नहीं मर रहा है सिवाय एक साथी कार्यकर्ता और उसी मनी का गाजन को जो एक अश्विन की गिरावट के बाद मर जाता है। साथ ही कई पत्रों को पहले एक्ट में काफ़ी बिल्ड अप के साथ पेश किया गया था जो मैनुअल एक पर खतरनाक नज़र डालते जैसे कि उनका अंत उनके हाथों होगा, फिल्म में बाद में फिर से प्रकट नहीं होते हैं या यहाँ तक कि एक संक्षेप पर उल्लेख भी प्रपात नहीं करते जिससे उनका वास्तविक उद्देश्य जोड़ दिया जाता है। फिल्म में अस्पष्ट हालांकि कुछ पत्र जैसे कि गौतमी नायर की दर्द दी निभाया गया चित्र शुरुआत में बार बार दिखाई देते हैं लेकिन उनकी ही पहचान बहुत बाद तक अस्पष्ट रहती, परिणामस्वरूप दर्शकों को मैनुअल की यात्रा के उद्देश्य को समझाने में कठिनाई होती जिससे नाव पर तनाव की भावना कम हो जाती और दर्शकों को पत्रों के साथ जुड़ने नहीं मिलता। स्वाद सम्मान रूप से साधारण है जो दिखावटी और पुराने जमाने के लगते हैं। अभिनेता दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए कोई बारीकियां या गहराई लाने में विफल रहते हैं। अलोसी के परिवार का क्या होगा, क्या नाव पर उसकी दोस्त उसकी बहन की शादी के लिए उसकी इच्छानुसार पर्याप्त धन की व्यवस्था कर पाएंगे, क्या मैनुअल अपने और डैनी के दोस्त पीटर अभिराम राधा कृष्णा से बदला लेगा जो डैनी की हत्या के बारे में भी जानता है। कोडल को स्मार्टपूर्ण पक्षों के उत्तर देना भूलना के साथ समाप्त तो होता है। फिल्म की विभिन्न कमियों के बावजूद इसे एंट्री की प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता से कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि अपने उच्चारण के अलावा अन्य उच्चारणों के साथ उनकी कठिनाई उनकी अभिनय सीमाएं स्पष्ट है, विशेष रूप से उपरिवर्ती समुद्र की पृष्ठभूमि में कैमरा ज़्यादातर उन पर केंद्रित है। उनका स्वयं इन खामियों को एक हद तक कम करने में मदद कर रहे जिससे फिल्म को पूरी तरह से पूरा होने से रोका जा सकता है। निरसता राज भी सिटी हमेशा की तरह अपनी सीमित दृश्य में प्रभावित करती है, हालांकि ऐसे डमी कलाकार का उपयोग करने का विकल्प जिसकी आवाज़ राज बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैरान करने वाला है। यह ध्यान में रखते हुए कि कई मलयाली लोग राज को उनकी कन्नड़ फिल्मों और हाल ही में ममूटी स्टार टर्बो में खलनायक के रूप में उनकी भूमिका से पहचानते हैं, कुंडल की निर्माताओं को इस निर्णय पर अधिक ध्यान देना चाहिए था क्योंकि अभिनेता की आवाज़ और डबिंग के बीच असंगति दर्शकों का ध्यान भटकाती स्क्रीन पर हो रहा है जबकि सबीर कलारकल का जोड़ का चित्रण चैतरीन के खराब लेखन के कारण निराश हो गया। माइकल के रूप में राहुल राजगोपाल का प्रदर्शन कार्टून जैसे प्रतीत होते हैं जिसमें चैतरीन की एक मात्रा भविभक्ति क्रोध की निरंतर दम तमा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप सतीश थोनकर की फ़ैन हो और
कोंडल मूवी को देखना पसंद करती हूँ और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हूँ, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कोंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत मम्पली की द्वारा निर्देशित है और इसमें एंटनी वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत मम्पली, रैलिन रॉबर्ट और सतीश से जीतीश से एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभाल के दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं, जबकि श्रीजी सारंग इस वादन का प्रभार लेते हैं जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुरक्षित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस की तरह तैयार किया गया जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जोड़ते हैं। रिलीज डेट कोंडल 30 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और पढ़े कोंडल कास्ट क्रू की। कोंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत मम्पली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटिन वर्गिस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत मम्पली, रायलिन रॉबर्ट और सतीश धनकर का एक सहयोगात्मक प्रयास है। जितिन एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं, दूसरी कहानी कहने का वादा करते हैं और जबकि श्रीजी सारंग इस पादन का प्रभार लेते हैं जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुनिश्चित होते हैं। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस के तहत तैयार किया गया जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जुड़ते हैं। फिल्म कोंडल की कहानी साझा करने चाहेंगे या कलाकारों और क्रू के बारे में अपडेट प्रदान स्वीकरण पोस्टर के बैकड्रॉप। कोंडल फिल्म समीक्षा एंथनी वर्गीस पेपी की एक्शन फिल्म को लक्ष्यहीन लेखन ने बर्बाद कर दिया। कोंडल एक समीक्षा फिल्म एंथनी वर्गीस पेपी को एक्शन हीरो उपनाम से पेश करती और इस संबंध में कोंडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्ट हासिल करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन करते हैं। कोंडल फिल्म की समीक्षा एक व्यतीत अपने मुख्य आधारों पर अन्याय करने वालों को खत्म करने के लिए प्रतिशोधपूर्ण हिस्सा पर उतारू हो जाते हैं। यह उस सिनेमा में एक परिचित उधार है, फिर भी यह लोकप्रिय बना हुआ है और अगर कम से कम शलीनता से क्रियान्वित किया जाए तो यह अभी भी जनता के बीच गूंज सकता है। खासकर प्रो कोर्स से जुड़ी इसकी भावनात्मक गहराई के कारण हालांकि नवोदित निर्देशन अजीत मम्पली की कोंडल रोनाल्ड रेंडलर काउट जिसमें एंटनी वर्गीस पीपी राजवी सेठी और सबीर कलारकल की मुख्य भूमिका में इस आजमाए में असच्ची आधार के बावजूद खराब और लक्षहीन लेखन के कारण कमजोर पड़ जाती। फिल्म एंटनी को एक्शन हीरो उपनाम से परिचित करा दी और इस संबंध में कोंडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता का लाभ उठाते हुए काम करते। फिल्म की सेटिंग से यह और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर सामने आता है जिससे तनाव बढ़ जाता है। तिरुवनंतपुरम के तटीय गांव की आसू थेंगो का रहने वाला इमैनुएल उर्फ मैनुअल एंटनी लापरवाही से रह रहा है और अपने ज्यादातर समय शराब पीने में बताते हैं। हालांकि वह अपने परिवार के करीब रहते और हर तरह से उनका समर्थन करते हैं, लेकिन उसका आत्म विनाशकारी व्यवहार कुछ और गहरा संकेत देता है कि इस बीच वह गांव जहां अधिकांश लोग की मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करते एक संकट का सामना करता है। जब स्टीफन एंसन्स एक स्थानीय कंपनी सड़ी हुई मछली बेचने के लिए उजागर होती जिसे गांव खराब प्रचार का लक्ष्य बन जाते। चूंकि मछुआरे अपनी पकड़ी मछली बेचने के लिए संघर्ष करें इसलिए वे मांग करते कि कंपनी जिम्मेदारी ले और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि केवल उनकी मछली खराब हुई है जिससे अन्य मछुआरों का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हालांकि कंपनी की मालिक एस्पेडिकम सनी और उसकी मांगों को नज़रअंदाज करते हैं और अधिक मछलियां लाने का प्रयास करते हैं जिससे दोनों पक्षों को बीच टकराव होते। मैनुअल के घटनास्थल पर प्रवेश करते संघर्ष एक हिंसक खून खराबे वाले विवाद में बदल जाता है
चूंकि यह घटना एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई, पुलिस की भागीदारी में बाद में मैनुअल को कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एर्नाकुलम में मुनबम हार्बर से निकलने वाली एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करते हैं, जहां उसका भाई डेनियल और डेनियल राज भी सेठी कभी काम करता था। यात्रा के दौरान मैनुअल और जूर्ज सबीर कलारकल और माइकल राहुल राजगोपाल सहित अनेक सदस्यों के बीच उनके कुछ कार्यों के कारण तनाव बढ़ जाते। इन टकराव से वजह से डैनी की मौत के बारे में चौंकने वाली खुलासी हुई, जिसे तब तक एक दुर्घटना माना जाता है जब फिल्म का बाकी हिस्सा मैनुअल की सच्चाई की खोज और प्रीति सोच की उसकी खोज का अनुसरण करते हैं, जबकि जूर और अन्य लोग उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुंडल में एक अच्छी बदला लेने वाली फिल्म बनने की सामग्री थी, लेकिन इसकी बड़ी खामी इसकी घटिया पटकथा में, जिस निर्देशन अजीत निराली डॉ रॉबर्ट और सतीश थोनाकल के साथ मिलकर लिखा था, जिसमें कुछ बुनियादी कथानक बिंदुओं के अलावा और कुछ नहीं। यह देखते हुए कि कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक सीमित स्थान में सामने आते, जहां नायक और प्रतिद्वंदी हमेशा करीब रहते हैं, कहानी को एक दूसरे को ख़त्म करने में उनकी असमर्थता को समझाने के लिए केवल दुर्भाग्य से आदि पेशकश करनी चाहिए थी। तनाव को उच्च बनाए रखने के लिए ठोस क्षणों की भी आवश्यकता होती, जो कुंडल में उन अनुपस्थित थी। शुरुआत में मैनुअल को अपने गांव में मछली उथल पुथल से बचने के लिए नाव पर नौकरी करते हुए दिखाया गया कि इस बीच कुछ क्रूर सदस्य उसकी पृष्ठभूमि से अवगत होने के बावजूद उसकी प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार करने लगते। हालांकि फिल्म यह स्पष्ट करने में विफल रहती कि ये पत्र अजीब व्यवहार क्यों करते हैं, यह अर्थनिहित मोक्ष क्या है। अज्ञातर तक कुंडल लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहता है, एक स्पष्ट दिशा स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है, जिसे पत्रों को बिना किसी सर्दब के सिर्फ संदिग्ध नज़रों का आदान प्रदान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इंटरवल से ठीक पहले ही दर्शक को डैनी और क्रू के व्यवहार के पीछे की वास्तविक कारणों से परिचित कराया जाता है। साजिश पैदा करने के लिए मुख्य विवरणों को कुशलतापूर्वक छुपाने के बजाय कुंडल दर्शकों को काफ़ी समय तक पूरी तरह से अंधेरे में रखते, यहाँ तक कि यह समझने के लिए बुनियादी जानकारी भी प्रदान करने में विफल रहते हैं क्या हो रहे हैं। ऐसे कि पत्रों के उद्देश्यों को खुलासा होने के बाद भी कुंडल प्रभावशाली और औपचारिक क्षणों देने में विफल रहते हैं, इसके बजाय यह मैनुअल या जोड़ दरा की रचित एक के बाद एक हत्या की प्रेमसों को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वास्तव में कोई भी नहीं मर रहा है सिवाय एक साथी कार्यकर्ता और उसी मनी का दाजन को, जो एक अश्विन की गिरावट के बाद मर जाता है। साथ ही कई पत्रों को पहले एक्ट में काफ़ी बिल्ड अप के साथ पेश किया गया था, जो मैनुअल एक पर खतरनाक नज़र डालते, जैसे कि उनका अंत उनके हाथों होगा, फिर में बाद में फिर से प्रकट नहीं होते हैं, या यहाँ तक कि एक संक्षिप्त पर उल्लेख भी प्रपात नहीं करते, जिससे उनका वास्तविक उद्देश्य जोड़ दिया जाता है। फिल्म में असमर्थ हालांकि कुछ पत्र, जैसे कि गौतमी नायर की दर्द दी निभाया गया चित्र शुरुआत में बार बार दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी ही पहचान बहुत बाद तक अस्पष्ट रहती, परिणामस्वरूप दर्शकों को मैनुअल की यात्रा के उद्देश्य को समझाने में कठिनाई होती, जिससे नाव पर तनाव की भावना कम हो जाती और दर्शकों को पत्रों के साथ जुड़ने नहीं मिलता। स्वाद सम्मान रूप से साधारण है, जो दिखावटी और पुराने जमाने के लगते हैं। अभिनेता दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए कोई बारीकियां या गहराई लाने में विफल रहते हैं। अलोसी के परिवार का क्या होगा, क्या नाव पर उसके दोस्त उसकी बहन की शादी के लिए उसकी इच्छानुसार पर्याप्त धन की व्यवस्था कर पाएंगे, क्या मैनुअल अपने और डैनी के दोस्त पीटर अभिराम राधा कृष्णा से बदला लेगा, जो डैनी की हत्या के बारे में भी जानता है। कोडल को इस महत्वपूर्ण पक्षों के उत्तर देना भूलना के साथ समाप्त होता है। फिल्म की विभिन्न कमियों के बावजूद इसे एंट्री की प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और
एक्शन दोषियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता से कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि अपने उच्चारण के अलावा अन्य उच्चारणों के साथ उनकी कठिनाई उनकी अभिनय सीमाएं स्पष्ट है। विशेष रूप से उपरीवर्ती समुद्र की पृष्ठभूमि में कैमरा ज़्यादातर उन पर केंद्रित है। उनका स्वयं इन खामियों को एक हद तक कम करने में मदद कर रहे, जिससे फिल्म को पूरी तरह से पूरा होने से रोका जा सकता है। निरसता राज भी सिटी हमेशा की तरह अपनी सीमित दृश्य में प्रभावित करती है। हालांकि ऐसे डमी कलाकार का उपयोग करने का विकल्प जिसकी आवाज़ राज बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, हैरान करने वाला है। यह ध्यान में रखते हुए कि कई मलयाली लोग राज को उनकी कन्नड़ फिल्मों और हाल ही में ममूटी स्टार टर्बो में खलनायक के रूप में उनकी भूमिका से पहचानते हैं। कुंडल की निर्माताओं को इस निर्णय पर अधिक ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अभिनेता की आवाज़ और डबिंग के बीच असंगति दर्शकों का ध्यान भटकाती स्क्रीन पर हो रहा है। जबकि सबीर कलारकल का जोड़ का चित्रण चैतरीन के खराब लेखन के कारण निराश हो गया। माइकल के रूप में राहुल राजगोपाल का प्रदर्शन कार्टून जैसे प्रतीत होते हैं, जिसमें चैतरीन की एक मात्रा भविभक्ति क्रोध की निरंतर दम तमा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सतीश धनखड़ की फ़ैन हो और कुंडल मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटनी वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में। पटकथा अजीत ममपली, रैलिन रॉबर्ट और सतीश से जीतीश से एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभाल के दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं, जबकि श्रीजी सारंग इस पालन का प्रभार लेते हैं, जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुरक्षित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस की तरह तैयार किया गया, जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जोड़ते हैं। रिलीज डेट कुंडल 30 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और पढ़े कुंडल कस्ट क्रू की, कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटिन वर्गिस पेपी मुख्य भूमिका में। पटकथा अजीत ममपली, रॉयलिन रॉबर्ट और सतीश धनखड़ का एक सहयोगात्मक प्रयास है। जितिन एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं, दूसरी कहानी कहने का वादा करते हैं और जबकि श्रीजी सारंग इस पालन का प्रभार लेते हैं, जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुनिश्चित होते हैं। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस के तहत तैयार किया गया, जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जुड़ता है। फिल्म कुंडल की कहानी साझा करने चाहेंगे या कलाकारों और क्रू के बारे में अपडेट प्रदान। स्वीकरण पोस्टर के बैकड्रॉप कुंडल फिल्म समीक्षा एंथनी वर्गीस पेपी की एक्शन फिल्म को लक्ष्यहीन लेखन ने बर्बाद कर दिया। कुंडल एक समीक्षा फिल्म एंथनी वर्गीस पेपी को एक्शन हीरो उपनाम से पेश करती और इस संबंध में कुंडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्ट हासिल करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन करते हैं। कुंडल फिल्म की समीक्षा एक व्यतीत अपने मुख्य आधारों पर अन्याय करने वालों को खत्म करने के लिए प्रतिशोधपूर्ण हिस्सा पर उतारू हो जाते हैं। यह उस सिनेमा में एक परिचित उधार है, फिर भी यह लोकप्रिय बना हुआ है और अगर कम से कम शलीनता से क्रियान्वित किया जाए तो यह अभी भी जनता के बीच गूंज सकता है। खासकर प्रो कोर्स से जुड़ी इसकी भावनात्मक गहराई के कारण हालांकि नवोदित निर्देशन अजीत ममपली की कुंडल रेंडलकाउट, जिसमें एंटनी वर्गीस पीपी राजवी सेठी और सबीर कलारकल की मुख्य भूमिका में, इस आजमाए हुए और सच्ची आधार के बावजूद खराब और लक्षहीन लेखन के कारण
कमजोर पड़ जाती। फिल्म एंटनी को एक्शन हीरो उपनाम से परिचित करा दी और इस संबंध में कोडल कच्चे सटन दुलसी में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता पर लब उठाते हुए काम कर दे। फिल्म की सेटिंग से यह और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर सामने आता है जिससे तनाव बढ़ जाता है। तिरुवनंतपुरम के तटीय गांव की आसू थेंगो का रहने वाला इमैनुएल उर्फ मैनुअल एंटनी लापरवाही से रह रहा है और अपने ज़्यादातर समय शराब पीने में बिताते हैं। हालांकि वह अपने परिवार के करीब रहते और हर तरह से उनका समर्थन करते हैं, लेकिन उसका आत्म विनाशकारी व्यवहार कुछ और गहरा संकेत देता है कि इस बीच वह गांव जहां अधिकांश लोगों की मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं एक संकट का सामना करता है। जब स्टीफन एंसन्स एक स्थानीय कंपनी सड़ी हुई मछली बेचने के लिए उजागर होती है जिसे गांव खराब प्रचार का लक्ष्य बन जाते हैं। चूंकि मछुआरे अपनी पकड़ी मछली बेचने के लिए संघर्ष करें इसलिए वे मांग करते कि कंपनी जिम्मेदारी ले और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि केवल उनकी मछली खराब हुई है जिससे अन्य मछुआरों का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हालांकि कंपनी की मालिक एस्पेडिकम सनी और उसकी मांगों को नज़रअंदाज करते हैं और अधिक मछलियाँ लाने का प्रयास करते हैं जिससे दोनों पक्षों को बीच टकराव होते। मैनुअल की घटनास्थल पर प्रवेश करती संघर्ष एक हिंसक खून खराबे वाले विवाद में बदल जाता है। चूंकि यह घटना एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई पुलिस की भागीदारी में बाद में मैनुअल को कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एर्नाकुलम में मुनबम हार्बर से निकलने वाली एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करते हैं जहाँ उसका भाई डेनियल और डेनी राज भी सेठी कभी काम करता था। यात्रा के दौरान मैनुअल और जोर सबीर कलारकल और माइकल राहुल राजगोपाल सहित अनेक सदस्यों के बीच उनके कुछ कार्यों के कारण तनाव बढ़ जाते। इन टकराव से उसे डैनी की मौत के बारे में चौंकने वाली खुलासी हुई जिसे तब तक एक दुर्घटना माना जाता है जब फिल्म का बाकी हिस्सा मैनुअल की सच्चाई की खोज और प्रीति सोच की उसकी खोज का अनुसरण करते हैं जबकि जुड़ और अन्य लोग उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुंडल में एक अच्छी बदला लेने वाली फिल्म बनने की सामग्री थी लेकिन इसकी बड़ी खामी इसकी घटिया पटकथा में जिस निर्देशन अजीत निराली डॉ रॉबर्ट और सतीश थोनाकर के साथ मिलकर लिखा था जिसमें कुछ बुनियादी कथानक बिंदुओं के अलावा और कुछ नहीं। यह देखते हुए कि कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक सीमित स्थान में सामने आते जहां नायक और प्रतिद्वंदी हमेशा करीब रहते हैं कहानी को एक दूसरे को ख़त्म करने में उनकी असमर्थता को समझाने के लिए केवल दुर्भाग्य से अधिक पेशकश करनी चाहिए थी। तनाव को उच्च बनाए रखने के लिए ठोस क्षणों की भी आवश्यकता होती जो कुंडल में उन अनुपस्थित थी। शुरुआत में मैनुअल को अपने गांव में मछली उथल पुथल से बचने के लिए नाव पर नौकरी करते हुए दिखाया गया कि इस बीच कुछ क्रू सदस्य उसकी पृष्ठभूमि से अवगत होने के बावजूद उसकी प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार करने लगते। हालांकि फिल्म यह स्पष्ट करने में विफल रहती कि ये पत्र अजीब व्यवहार क्यों करते हैं यह अर्थनिहित मोक्ष क्या है। अज्ञातर तक कुंडल लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहता है एक स्पष्ट दिशा स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है जिससे पत्रों को बिना किसी सर्दब के सिर्फ संदिग्ध नज़रों का आदान प्रदान करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इंटरवल से ठीक पहले ही दर्शक को डैनी और क्रू के व्यवहार के पीछे की वास्तविक कारणों से परिचित कराया जाता है। साजिश पैदा करने के लिए मुख्य विवरणों को कुशलतापूर्वक छुपाने के बजाय कुंडल दर्शकों को काफ़ी समय तक पूरी तरह से अंधेरे में रखते हैं यहाँ तक कि यह समझने के लिए बुनियादी जानकारी भी प्रदान करने में विफल रहता है क्या हो रहा है। ऐसे कि पत्रों के उद्देश्य को खुलासा होने के बाद भी कुंडल प्रभावशाली और आकर्षणों देने में विफल रहता है इसके बजाय यह मैनुअल या जोड़ दरा की रचित एक के बाद एक हत्या की प्रेमसों को प्रस्तुत करता है जिसमें
वास्तव में कोई भी नहीं मर रहा है सिवाय एक साथी कार्यकर्ता और उसी मनेका दाजन को, जो एक अस्बिन की गिरावट के बाद मर जाता है। साथ ही कई पत्रों को पहले एक्ट में काफ़ी बिल्ड अप के साथ पेश किया गया था, जो मैनुअल एप पर ख़तरनाक नज़र डालते, जैसे कि उनका अंत उनके हाथों होगा, फिल्म में बाद में फिर से प्रकट नहीं होते हैं, या यहाँ तक कि एक संक्षिप्त पर उल्लेख भी प्रपात नहीं करते, जिससे उनका वास्तविक उद्देश्य जोड़ दिया जाता है। फिल्म में अस्वच्छ हालांकि कुछ पत्र, जैसे कि गौतमी नायर के दर्द दी निभाया के चित्र शुरुआत में बार बार दिखाई देते, लेकिन उनकी ही पहचान बहुत बाद तक अस्पष्ट रहती, परिणस्वरूप दर्शकों को मैनुअल की यात्रा के उद्देश्य को समझाने में कठिनाई होती, जिससे नाव पर तनाव की भावना कम हो जाती और दर्शकों को पत्रों के साथ जुड़ने नहीं मिलता। स्वाद सम्मान रूप से साधारण है, जो दिखावटी और पुराने जमाने के लगते हैं। अभिनेता दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए कोई बारीकियां या गहराई लाने में विफल रहते हैं। अलोसी के परिवार का क्या होगा? क्या नाव पर उसके दोस्त उसकी बहन की शादी के लिए उसकी इच्छा अनुसार व्यापार धन की व्यवस्था कर पाएंगे? क्या मैनुअल अपने और डैनी के दोस्त पीटर अभिराम राधा कृष्णा से बदला लेगा, जो डैनी की हत्या के बारे में भी जानता है? कोडल को स्मार्टफोन पक्षों के उत्तर देना भूलना के साथ समाप्त होता है। फिल्म की विभिन्न कमियों के बावजूद इसे एंट्री की प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता से कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि अपने उच्चारण के अलावा अन्य उच्चारणों के साथ उनकी कठिनाई उनकी अभिनय सीमाएं स्पष्ट है, विशेष रूप से उपरिवर्ती समुद्र की पृष्ठभूमि में कैमरा ज़्यादातर उन पर केंद्रित है। उनका स्वर इन खामियों को एक हद तक कम करने में मदद कर रहे, जिससे फिल्म को पूरी तरह से पूरा होने से रोका जा सकता है। निरसता राज भी सिटी हमेशा की तरह अपनी सीमित दृश्य में प्रभावित करती है। हालांकि ऐसे डॉमिंग कलाकार का उपयोग करने का विकल्प जिसकी आवाज़ राज बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, हैरान करने वाला है। यह ध्यान में रखते हुए कि कई मलयाली लोग राज को उनकी कन्नड़ फिल्मों और हाल ही में ममूटी स्टार टर्बो में खलनायक के रूप में उनकी भूमिका से पहचानते हैं, कुंडल की निर्माताओं को इस निर्णय पर अधिक ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अभिनेता की आवाज़ और डबिंग के बीच असंगति दर्शकों का ध्यान भटकाती स्क्रीन पर हो रहा है, जबकि सबीर कलारकल का जोड़ का चित्रण चैतरीन के खराब लेखन के कारण निराश हो गया। माइकल के रूप में राहुल राजगोपाल का प्रदर्शन कार्टून जैसे प्रतीत होते हैं, जिसमें चैतरीन की एक मात्रा भविभक्ति क्रोध की निरंतर दम तमा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सतीश धनखड़ की फ़ैन हो और कुंडल मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटनी वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकटा अजीत ममपली, रैलिन रॉबर्ट और सतीश है, जीतीश से एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभाल के दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं, जबकि श्रीजी सारंग इस वादन का प्रभार लेते हैं, जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुरक्षित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस की तरह तैयार किया गया, जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जोड़ते हैं। रिलीज डेट कुंडल 30 सितंबर 2022 पूर्व सिनेमाघरों में रिलीज होगी और पढ़े कुंडल कस्ट क्रू की। कुंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटिन वर्गीस पेपी मुख्य भूमिका में, पटकरा अजीत ममपली, रायलिन रॉबर्ट और सतीश धनखड़ का एक सहयोगात्मक प्रयास है। जितिन एस्टेनिस लॉस सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं, दूसरी कहानी कहने का वादा करते हैं और जबकि श्रीजी सारंग इस पादन का प्रभार लेते, जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुनिश्चित होते हैं।
संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर SMCS के तहत तैयार किया गया, जो फिल्म के माहौल में गहराई और भावना जुड़ता है। फिल्म कुंडल की कहानी साझा करने चाहेंगे या कलाकारों और क्रू के बारे में अपडेट प्रदान। स्वीकरण पोस्टर के बैकड्रॉप कुंडल फिल्म समीक्षा एंथनी वर्गिस पीपी की एक्शन फिल्म को लक्षहीन लेखन ने बर्बाद कर दिया। कुंडल एक समीक्षा फिल्म एंथनी वर्गिस पीपी को एक्शन हीरो उपनाम से पेश करती और इस संबंध में कुंडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्ट हासिल करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन करते हैं। कुंडल फिल्म की समीक्षा एक व्यतीत अपने मुख्य आधारों पर अन्याय करने वालों को खत्म करने के लिए प्रतिशोधपूर्ण हिस्सा पर उतारू हो जाते हैं। यह उस सिनेमा में एक परिचित उधार है, फिर भी यह लोकप्रिय बना हुआ है और अगर कम से कम शलीनता से क्रियान्वित किया जाए तो यह अभी भी जनता के बीच गूंज सकता है। खासकर प्रो कोर्स से जुड़ी इसके भावनात्मक गहराई के कारण हालांकि नवोदित निर्देशन अजीत मम्पली की कुंडल रोनाल्ड रेंडल काउट जिसमें एंटनी वर्गिस पीपी राजवी सेठी और सबीर कलारकल की मुख्य भूमिका में इस आजमाए में और सच्ची आधार के बावजूद खराब और लक्षहीन लेखन के कारण कमजोर पड़ जाती। फिल्म एंटनी को एक्शन हीरो उपनाम से परिचित करा दी और इस संबंध में कोडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता का लाभ उठाते हुए काम कर रहे। फिल्म की सेटिंग से यह और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर सामने आता है जिससे तनाव बढ़ जाता है। तिरुवनंतपुरम के तटीय गांव की आसू थेंगो का रहने वाला इमैनुएल उर्फ मैनुअल एंटनी लापरवाही से रह रहा है और अपने ज़्यादातर समय शराब पीने में बताते हैं। हालांकि वह अपने परिवार के करीब रहते और हर तरह से उनका समर्थन करते हैं, लेकिन उसका आत्म विनाशकारी व्यवहार कुछ और गहरा संकेत देता है कि इस बीच वह गांव जहां अधिकांश लोगों की मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, एक संकट का सामना करता है। जब स्टीफन एंसन्स एक स्थानीय कंपनी सड़ी हुई मछली बेचने के लिए उजागर होती है जिसे गांव खराब प्रचार का लक्ष्य बन जाते हैं। चूंकि मछुआरे अपनी पकड़ी मछली बेचने के लिए संघर्ष करें इसलिए वे मांग करते कि कंपनी जिम्मेदारी ले और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि केवल उनकी मछली खराब हुई है जिससे अन्य मछुआरों का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हालांकि कंपनी की मालिक एस्पेडिकम सनी और उसे मांगों को नज़रअंदाज करते हैं और अधिक मछलियां लाने का प्रयास करते हैं जिससे दोनों पक्षों को बीच टकराव होते। मैनुअल के घटनास्थल पर प्रवेश करती संघर्ष एक हिंसक खून खराबे वाले विवाद में बदल जाता है। चूंकि यह घटना एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई, पुलिस की भागीदारी में बाद में मैनुअल को कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एर्नाकुलम में मुनबम हार्बर से निकलने वाली एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करते हैं जहाँ उसका भाई डेनियल और डेनियल राजवी सेठी कभी काम करता था। यात्रा के दौरान मैनुअल और जोर सबीर कलारकल और माइकल राहुल राजगोपाल सहित अनेक सदस्यों के बीच उनके कुछ कार्यों के कारण तनाव बढ़ जाते। इन टकराव से उसे डैनी की मौत के बारे में चौंकने वाली खुलासे हुई जिसे तब तक एक दुर्घटना माना जाता है जब फिल्म का बाकी हिस्सा मैनुअल की सच्चाई की खोज और प्रीति सोच की उसकी खोज का अनुसरण करते हैं जबकि जुड़ और अन्य लोग उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुंडल में एक अच्छी बदला लेने वाली फिल्म बनने की सामग्री थी लेकिन इसकी बड़ी खामी इसकी घटिया पटकथा में जिस निर्देशन अजीत निराली डॉ रॉबर्ट और सतीश थोनाकल के साथ मिलकर लिखा था जिसमें कुछ बुनियादी कथानक बिंदुओं के अलावा और कुछ नहीं। यह देखते हुए कि कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक सीमित स्थान में सामने आते जहां नायक और प्रतिद्वंदी हमेशा करीब रहते हैं, कहानी को एक दूसरे को ख़त्म करने में उनकी असमर्थता को समझाने के लिए केवल दुर्भाग्य से आदि पेशकश करनी चाहिए थी।
तनाव को उच्च बनाए रखने के लिए ठोस क्षणों की भी आवश्यकता होती है जो कुंडल में उन अनुपस्थित है। शुरुआत में मैनुअल को अपने गांव में मछली उथल पुथल से बचने के लिए नाव पर नौकरी करते हुए दिखाया गया कि इस बीच कुछ क्रूर सदस्य उसकी पृष्ठभूमि से अवगत होने के बावजूद उसकी प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार करने लगते। हालांकि फिल्म यह स्पष्ट करने में विफल रहती कि ये पत्र अजीब व्यवहार क्यों करते हैं, यह अर्थनिहित मोक्ष क्या है। अज्ञातर तक कुंडल लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहता है, एक स्पष्ट दिशा स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है जिससे पत्रों को बिना किसी सर्दर्भ की सिर्फ संदिग्ध नजरों का आदान प्रदान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इंटरवल से ठीक पहले ही दर्शक को डैनी और क्रू के व्यवहार के पीछे की वास्तविक कारणों से परिचित कराया जाता है। साजिश पैदा करने के लिए मुख्य विवरणों को कुशलतापूर्वक छुपाने के बजाय कुंडल दर्शकों को काफ़ी समय तक पूरी तरह से अंधेरे में रहते हैं, यहाँ तक कि यह समझने के लिए बुनियादी जानकारी भी प्रदान करने में विफल रहता है। क्या हो रहा है ऐसे कि पत्रों के उद्देश्यों को खुलासा होने के बाद भी कुंडल प्रभावशाली और ऑप्शन क्षणों देने में विफल रहता है। इसके बजाय यह मैनुअल या जोड़ दरा की रचित एक के बाद एक हत्या की पेंसों को प्रस्तुत कर रहे जिसमें वास्तव में कोई भी नहीं मर रहा है सिवाय एक साथी कार्यकर्ता और उसी मनिका दासन को जो एक अश्विन की गिरावट के बाद मर जाता है। साथ ही कई पत्रों को पहले एक्ट में काफ़ी बिल्ड अप के साथ पेश किया गया था जो मैनुअल एप पर खतरनाक नजर डालते जैसे कि उनका अंत उनके हाथों होगा, फिल्म बाद में फिर से प्रकट नहीं होते हैं या यहाँ तक कि एक संक्षिप्त पर उल्लेख भी प्रपात नहीं करते जिससे उनका वास्तविक उद्देश्य जोड़ दिया जाता है। फिल्म अस्पष्ट हालांकि कुछ पत्र जैसे कि गौतमी नायर के दर्द निभाया गया चित्र शुरुआत में बार बार दिखाई देते हैं लेकिन उनकी ही पहचान बहुत बाद तक अस्पष्ट रहती, परिणामस्वरूप दर्शकों को मैनुअल की यात्रा के उद्देश्य को समझाने में कठिनाई होती जिससे नाव पर तनाव की भावना कम हो जाती और दर्शकों को पत्रों के साथ जुड़ने नहीं मिलता। स्वाद सम्मान रूप से साधारण है जो दिखावटी और पुराने जमाने के लगते हैं। अभिनेता दूसरे को उच्च उठाने के लिए कोई बारीकियां या गहराई लाने में विफल रहते हैं। अलोसी के परिवार का क्या होगा, क्या नाव पर उसकी दोस्त उसकी बहन की शादी के लिए उसकी इच्छा अनुसार व्यापार धन की व्यवस्था कर पाएंगे, क्या मैनुअल अपने और डैनी के दोस्त पीटर अभिराम राधा कृष्णा से बदला लेगा जो डैनी की हत्या के बारे में भी जानता है। कोडल को स्मार्टपूर्ण पक्षों के उत्तर देना भूलना के साथ समाप्त तो होता है। फिल्म की विभिन्न कमियों के बावजूद इसे एंट्री की प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता से कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि अपने उच्चारण के अलावा अन्य उच्चारणों के साथ उनकी कठिनाई उनकी अभिनय सीमाएं स्पष्ट है, विशेष रूप से उपरिवर्ती समुद्र की पृष्ठभूमि में कैमरा ज़्यादातर उन पर केंद्रित है। उनका स्वर इन खामियों को एक हद तक कम करने में मदद कर रहे जिससे फिल्म को पूरी तरह से पूरा होने से रोका जा सकता है। निरसता राज भी सिटी हमेशा की तरह अपनी सीमित दृश्य में प्रभावित करती है, हालांकि ऐसे डॉमिंग कलाकार का उपयोग करने का विकल्प जिसकी आवाज़ राज बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैरान करने वाला है। यह ध्यान में रखते हुए कि कई मलयाली लोग राज को उनकी कन्नड़ फिल्मों और हाल ही में ममूटी स्टार टर्बो में खलनायक के रूप में उनकी भूमिका से पहचानते हैं, कुंडल की निर्माताओं को इस निर्णय पर अधिक ध्यान देना चाहिए था क्योंकि अभिनेता की आवाज़ और डबिंग के बीच असंगति दर्शकों का ध्यान भटकाती स्क्रीन पर हो रहा है जबकि सबीर कलारकल का जोड़ का चित्रण चैतरीन के खराब लेखन के कारण निराश हो गया। माइकल के रूप में राहुल राजगोपाल का प्रदर्शन कार्टून जैसे प्रतीत होते हैं जिसमें चैतरीन की एक मात्रा भविभक्ति क्रोध की निरंतर दम तमा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप सतीश धनखड़ की फ़ैन हो और
कोंडल मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कोंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की द्वारा निर्देशित है और इसमें एंटनी वर्गीस पेपे मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत ममपली, रैलिन रॉबर्ट और सतीश है। जीतीश से एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभाल के दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं जबकि श्रीजी सारंग इस वादन का प्रभार लेते हैं जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुरक्षित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको स्टैमसी एस की तरह तैयार किया गया जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जोड़ते हैं। रिलीज डेट कोंडल 30 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और पढ़े कोंडल कास्ट क्रू की। कोंडल एक मलयालम एक्शन ड्रामा है जो अजीत ममपली की तरह निर्देशित है और इसमें एंटिन वर्गिस पेपे मुख्य भूमिका में, पटकथा अजीत ममपली, रायलिन रॉबर्ट और सतीश धनकर का एक सहयोगात्मक प्रयास है। जितिन एस्टेनिस लॉ सिनेमेटोग्राफी को संभालते हैं, दृश्य कहानी कहने का वादा करते हैं और जबकि श्रीजी सारंग इस पारंग का प्रभार लेते हैं जिससे कथा का निर्माण प्रवाह सुनिश्चित होता है। संगीत और पृष्ठभूमि इसको सैमसी एस के द्वारा तैयार किया गया जो फिल्म की माहौल में गहराई और भावना जुड़ते हैं। फिल्म कोंडल की कहानी साझा करने चाहेंगे या कलाकारों और क्रू के बारे में आप दिन प्रदान स्वीकरण पोस्टर के बैकड्रॉप। कोंडल फिल्म समीक्षा एंथनी वर्गीस पेपे की एक्शन फिल्म को लक्ष्यहीन लेखन ने बर्बाद कर दिया। कोंडल एक समीक्षा फिल्म एंथनी वर्गीस पेपे को एक्शन हीरो उपनाम से पेश करती और इस संबंध में कोंडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्ट हासिल करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन करते हैं। कोंडल फिल्म की समीक्षा एक व्यतीत अपने मुख्य आधारों पर अन्याय करने वालों को खत्म करने के लिए प्रतिशोधपूर्ण हिस्सा पर उतारू हो जाते हैं। यह उस सिनेमा में एक परिचित उधार है फिर भी यह लोकप्रिय बना हुआ है और अगर कम से कम शलीनता से क्रियान्वित किया जाए तो यह अभी भी जनता के बीच गूंज सकता है। खासकर प्रो कोड से जुड़ी इसकी भावनात्मक गहराई के कारण हालांकि नवोदित निर्देशन अजीत ममपली की कोंडल रोनाल्ड रेंडलकाउट जिसमें एंटनी वर्गीस पीपे राजवी सेठी और सबीर कलारकल की मुख्य भूमिका में इस आजमाए में असच्ची आधार के बावजूद खराब और लक्षहीन लेखन के कारण कमजोर पड़ जाती। फिल्म एंटनी को एक्शन हीरो उपनाम से परिचित करा दी और इस संबंध में कोडल कच्चे सटन दृश्यों में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता का लाभ उठाते हुए काम कर रहे। फिल्म की सेटिंग से यह और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर सामने आता है जिससे तनाव बढ़ जाता है। तिरुवनंतपुरम के तटीय गांव की आसू थेंगो का रहने वाला इमैनुएल उर्फ मैनुअल एंटनी लापरवाही से रह रहा है और अपने ज़्यादातर समय शराब पीने में बिताते हैं। हालांकि वह अपने परिवार के करीब रहते और हर तरह से उनका समर्थन करते हैं लेकिन उसका आत्म विनाशकारी व्यवहार कुछ और गहरा संकेत देता है कि इस बीच वह गांव जहां अधिकांश लोग की मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं एक संकट का सामना करता है जब स्टीफन एंसन्स एक स्थानीय कंपनी सड़ी हुई मछली बेचने के लिए उजागर होती जिसे गांव खराब प्रचार का लक्ष्य बन जाते हैं। चूंकि मछुआरे अपनी पकड़ी मछली बेचने के लिए संघर्ष करें इसलिए वे मांग करते कि कंपनी जिम्मेदारी ले और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि केवल उनकी मछली खराब हुई है जिससे अन्य मछुआरों का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हालांकि कंपनी की मालिक एस्पेडिकम सनी और उसे मांगों को नज़रअंदाज करते हैं और अधिक मछलियां लाने का प्रयास करते हैं
जिससे दोनों पक्षों को बीच टकराव होते मैनुअल के घटनास्थल पर प्रवेश करती संघर्ष एक हिंसक खून खराबे वाले विवाद में बदल जाता है। चूंकि यह घटना एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई, पुलिस की भागीदारी में बाद में मैनुअल को कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एर्नाकुलम में मुनबम हार्बर से निकलने वाली एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करता है, जहां उसका भाई डेनियल और डेनियल राज भी सेठी कभी काम करता था। यात्रा के दौरान मैनुअल और जूर सबीर कलारकल और माइकल राहुल राजगोपाल सहित अनेक सदस्यों के बीच उनके कुछ कार्यों के कारण तनाव बढ़ जाते हैं। इन टकराव से जैसे डैनी की मौत के बारे में चौंकने वाली खुलासे हुई, जिसे तब तक एक दुर्घटना माना जाता है जब फिल्म का बाकी हिस्सा मैनुअल की सच्चाई की खोज और प्रीति सोच की उसकी खोज का अनुसरण करते हैं, जबकि जूर और अन्य लोग उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुंडल में एक अच्छी बदला लेने वाली फिल्म बनने की सामग्रियाँ थी, लेकिन इसकी बड़ी खामी इसकी घटिया पटकथा में, जिस निर्देशन अजीत निराली डॉ रॉबर्ट और सतीश थुनाकल के साथ मिलकर लिखा था, जिसमें कुछ बुनियादी कथानक बिंदुओं के अलावा और कुछ नहीं। यह देखते हुए कि कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक सीमित स्थान में सामने आते, जहां नायक और प्रतिद्वंदी हमेशा करीब रहते हैं, कहानी को एक दूसरे को ख़त्म करने में उनकी असमर्थता को समझाने के लिए केवल दुर्भाग्य से आदि पेशकश करनी चाहिए थी। तनाव को उच्च बनाए रखने के लिए ठोस क्षणों की भी आवश्यकता होती, जो कुंडल में उन अनुपस्थित है। शुरुआत में मैनुअल को अपने गांव में मछली उथल पुथल से बचने के लिए नाव पर नौकरी करते हुए दिखाया गया कि इस बीच कुछ क्रू सदस्य उसकी पृष्ठभूमि से अवगत होने के बावजूद उसकी प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार करने लगते। हालांकि फिल्म यह स्पष्ट करने में विफल रहती कि ये पत्र अजीब व्यवहार क्यों करते हैं, यह अर्थनिहित मोक्ष क्या है। अज्ञातर तक कुंडल लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहता है, एक स्पष्ट दिशा स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है, जिसे पत्रों को बिना किसी सर्दब के सिर्फ संदिग्ध नजरों का आदान प्रदान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इंटरवल से ठीक पहले ही दर्शक को डैनी और क्रू के व्यवहार के पीछे की वास्तविक कारणों से परिचित कराया जाता है। साजिश पैदा करने के लिए मुख्य विवरणों को कुशलतापूर्वक